देखिए रिकॉर्डिंग हो रहा है क्लास, हम ये क्लास रिकॉर्ड कर सर लेंगे। टाइम चेंज नहीं हुआ सर? यार ये बैकअप क्लास है, ये बैकअप मार लीजिए ना कचहैया सर, क्लास फोटो क्या बात? सर बाद में कीजिएगा। नहीं सर, अरे करवा सर, दीजिए, छूट गया। सर हमको सर बिजनेस स्टडीज का भी सर वो लिंक चाहिए था सर। क्योंकि क्या लिंक? सर CUCT में सर BBA से किए ना, तो उसमें बिजनेस स्टडीज सर वो है, मतलब कंपलसरी है सर। ठीक है, सब करेंगे, लास्ट में करेंगे। देखो जिनका भी फर्स्ट क्लास हो, सेकंड क्लास हो, या पिछले 15 दिनों से जुड़े हो, उनका छूटा क्या क्या है, सबसे पहले उनका टोटल का टोटल स्टैटिक, इतना मोटा, उनका टोटल स्टैटिक GK छूट गया है, और ये इसका वेटेज बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा स्टैटिक GK का वेटेज बहुत ज़्यादा है। इसको बैकअप क्लास हम लोग करेंगे। ये बैकअप क्लास 2, 3, 4 जितने घंटे का हो, शुरू से लास्ट तक बने रहिएगा। कॉपी पेन निकाल लीजिए और उसके साथ मेरे साथ लिखते जाइएगा, जहाँ तक अब कल के जैसा नहीं है, इसमें कुछ समझने वाली चीज़ें नहीं होगी, इसमें याद करने वाली चीज़ें होंगी। अब हिंदी इंग्लिश में जिनको प्रॉब्लम होगा, तो एक पहले बताओ कि हम यहाँ पर हिंदी में लिखें उसको इंग्लिश में बताएं, या इंग्लिश में लिखें हिंदी में बताएं, क्योंकि मेरे पास इंग्लिश दोनों में लिखिए सर और इंग्लिश में हिंदी में सर बताइए लिखें और सर। हिंदी में बता दीजिएगा सर, हम लोग इंग्लिश मीडियम वाले हैं। जी सर, हम भी इंग्लिश मीडियम से हैं। और सब ओके जो भाई, आप सब तो हिंदी सर मीडियम हिंदी है तो, में बताइएगा। अरे भाई एक यस बार सर, हिंदी इंग्लिश मीडियम में सर इंग्लिश बता में। दिए है ना, तो इस बार इंग्लिश मीडियम से लिख करके हिंदी मीडियम बता नए देंगे। नए पढ़े हैं हिंदी हाँ मीडियम ये में, सही इंग्लिश रहेगा। मीडियम में, दोनों में कोनो ने पढ़े अभी। हाँ हम सब पहला सर दिन क्लास चलो छोड़ो, हम कीजिए। विविध लिखो, विविध हिंदी इंग्लिश दोनों लिखो, विविध। अब देखो अब क्या क्या कह रहे हैं, यही दुविधा है सबसे ज़्यादा। तो ठीक हो, लिखो पहला क्वेश्चन, इसमें लिखो, एकदम लिखते जाओ। अब यहाँ के बाद कोई डाउट नहीं, तो आप लोग सबसे पहले जिनका फर्स्ट क्लास है ना, वो 1 महीने पीछे हो, और जिनका 10 क्लास है वो 20 क्लास पीछे हो, जिसका 15 क्लास पहले आए हो वो 10 क्लास पीछे हो, तो मतलब पीछे हो। और इस पीछे को कम से कम हम लोग 3 संडे में करेंगे। 3 संडे हम लोग को चाहिए, कम से कम 9 से 10 घंटे, 9 से 10 घंटे तक चाहिए, मतलब जल्दी जल्दी आपको हम करवाएं, तो 10 घंटे मेरे को चाहिए कि 3 संडे में आपका हम क्लियर करवा दें। आपका नोटिफिकेशन आ गया है, 2 मई से आपका ऑनलाइन अप्लाई होगा। हम बोले थे कि लास्ट वीक अप्रैल में आएगा, फर्स्ट वीक ऑफ मई में आया। 18 जून को आपका एग्ज़ाम है, ठीक है, 18 जून को एग्ज़ाम है। आपके पास बचा हुआ है अप्रैल, मई और जून, ठीक है, जून आधा, तो ये बस 30 दूना 60 15 75 दिन बचा हुआ है। तो सबसे पहले इसमें प्रथम पहला लिखो, फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल, फर्स्ट फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल, पहला टॉपिक क्या है, पहला टॉपिक लिखो, फर्स्ट इन मेल, पहला टॉपिक है विविध का, फर्स्ट इन मेल, पुरुषों में प्रथम, भारत में प्रथम पुरुष, भारत में प्रथम पुरुष, भारत में प्रथम पुरुष, भारत में प्रथम पुरुष, ठीक है। तो ये फर्स्ट गवर्नर लिख रहे हैं, मतलब कि कहने का मतलब हुआ भारत के प्रथम गवर्नर, तो बंगाल के प्रथम गवर्नर, तो लॉर्ड क्लाइव, लॉर्ड क्लाइव। अब हम बोल तो रहे हैं हिंदी में, तो 17 ये डेट नहीं आएगा, डेट छोड़ो। अब फिर लिखो दूसरा, लिख रहे हो ना सब, या क्लास सर, क्लास यस रिकॉर्ड कर रहे हैं, बाकी फिर हम नहीं देंगे। लास्ट गवर्नर ऑफ बंगाल, लास्ट करना पूरे लास्ट तक, नहीं तो नहीं रिकॉर्ड करेंगे पर हम अपलोड नहीं करेंगे। बंगाल, वारेन हेस्टिंग्स, ठीक है, हिंदी वाले, लास्ट गवर्नर ऑफ, गवर्नर का गवर्नर ही हिंदी होता है, ठीक है, गवर्नर का गवर्नर ही आएगा, आपकी हिंदी में भी गवर्नर ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड नंबर सवाल, थर्ड नंबर लिखो, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बिहार, वो बंगाल, फर्स्ट गवर्नर जनरल, जनरल ऑफ बंगाल, लिख रहे हो ना मेरे साथ, यस सर, इसका भी लिखो, वारेन हेस्टिंग्स, इसका
इसको थोड़ा सा जूम आउट कर दे। ठीक है, अब पढ़ते जाओ, एकदम बहुत ज्यादा लिखना है आप लोग को, बहुत ज्यादा, मतलब पहले ही पीछे हो तो और पीछे फिर लिखो, लिखो लास्ट गवर्नर जनरल, लास्ट गवर्नर जनरल एंड फर्स्ट, यार माइक ऑफ करो यार, वाइसराय ऑफ इंडिया, इसका लिखो लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग। हिंदी वाले को प्रॉब्लम नहीं होगा, ये सब जो आपका हिंदी रहेगा ना वो हम बोल देंगे, तो इसके लिए लास्ट लिखो, लास्ट मतलब अंतिम होता है गवर्नर का, इंग्लिश गवर्नर ही आएगा एग्जाम में, जनरल का जनरल ही आएगा, उतना मैनेज कर लेंगे। हाँ थोड़ा सा करो, अब क्या करोगे, हिंदी इंग्लिश तो हम अब दोनों लिखेंगे, आप हिंदी में बोलिएगा तो लिख लेंगे। हाँ तो हम बोलेंगे हिंदी में, क्योंकि हम फिर नहीं क्लास खत्म हो पाएगा टाइम पे। हाँ सर, आप उधर लिख दीजिए, इधर बोल दीजिए, ठीक है, हम लोग लिखेंगे। अब इसके बाद हम बैकअप नहीं देंगे, अब ये जो हो गया ना बैकअप लास्ट हो गया, और लिखो फर्स्ट गवर्नर। सर बहुत बच्चे का छूटा हुआ है सर। क्या? बहुत बच्चे का छूटा हुआ है क्लास। हाँ तो छूटा हुआ तो उसका ही क्लास दे रहे ना, फर्स्ट गवर्नर जनरल। हाँ सर, इंडिपेंडेंट अभी शुरू हुआ है। अरे हाँ सर जी, अभी शुरू हुआ है सर जी, क्लास कीजिए ना, 5 बजे बोले थे तो अभी ही शुरू होगा ना, 4 बजे थोड़े कर देंगे। चक्रवर्ती कब होगा, खत्म कब होगा सर, क्योंकि आज है ना रोजा है सर, फर्स्ट रोजा। भाई क्लास रिकॉर्ड हो रहा है, आप चल जाइएगा, हम आपको लिंक दे देंगे। तो रिकॉर्ड कॉल वाला कहाँ भेजे थे? कौन रिकॉर्डिंग नहीं भेजे थे? कौन रिकॉर्डिंग नहीं भेजे थे? आप कहे थे बैकअप क्लास, जब कल है ना ये रीजनिंग पढ़ा रहे थे सर, बीबी बीबी रिकॉर्डिंग, रीजनिंग नहीं रिकॉर्ड करके भेजे हैं सर जी, यूट्यूब पे अपलोड नहीं है सर जी, यूट्यूब पे अपलोड आज रीजनिंग हम नहीं किए हैं। अरे यूट्यूब पे अपलोड हो गया है सर, यूट्यूब पे कर दिया यार, डिस्टर्ब करते हो यार। लिखो सर फर्स्ट इंडियन। हाँ सर बोलिए ना सर। पीडीएफ नहीं सेंड किया सर आप? अरे सर भूल गए, सेंड कर देंगे। आईसीएस, आईसीएस ही है इसका, लिखो ये चक्रवर्ती राजा गोपालचारिया है, ठीक है, चक्रवर्ती राजा गोपालचारिया, ये सुरेंद्र नाथ बनर्जी। भाई जी हम लोगों को तो ऐसे लिखा दिए हुए हैं, तो मेरा तो सिर्फ एक ही क्लास गया है ना। कौन सा क्लास गया आपका बताइए, एक मिनट देख कर बता, वो आप टॉपिक बता दीजिए ना, हम आपको उसका बता देंगे फिर। ठीक है फिर लिखो सर आईसीएस क्या होता है? आईसीएस सर्च करो ना, आईसीएस हम हिंदी मीडियम वाले में भी देखे थे तो आईसीएस ही था। फुल फॉर्म क्या होता है सर आईसीएस का? इंग्लिश मीडियम है कि हिंदी मीडियम है? इंग्लिश मीडियम है, हिंदी मीडियम कब होगा? अरे सर हिंदी इंग्लिश दोनों सेम है, आईसीएस लास्ट में बता देंगे, अभी नहीं दिमाग में है सर। 6 नंबर का हिंदी बोलिए ना। फर्स्ट इंडियन टू पास आईसीएस, इसका हिंदी देखो ना यहाँ पे लिखा हुआ है, आईसीएस में सफल होने वाला प्रथम भारतीय, आईसीएस में सफल होने वाला प्रथम भारतीय। अरे आईसीएस पहले एग्जाम हो, जैसे अभी यूपीएससी है ना वैसे आईसीएस था पहले अंग्रेजों का। सर अभी आईपीएस बन चुका वही ना सर? हाँ जो पहले अरे यार मजाक क्लास का बना रहे हो, कोई माइक ऑन करके। सर माइक बंद करवाइए ना। आईसीएस, आईसीएस था जो अभी यूपीएससी है ना, पहले आईसीएस था जो आईएस पहले आईसीएस सर लगता है वो, इसका फुल फॉर्म होगा इंडियन सिविल सर्विस। हाँ हाँ वही है, वही है इंडियन सिविल सर्विसेज। यार डिस्टर्ब करते हो, हिंदी वाले बोल रहे हो हिंदी में लिखवाई, इंग्लिश बोलते हो इंग्लिश में, बोल तो रहे हैं हिंदी में सब। सर बोलिए ना हिंदी में, लिखवाइए इंग्लिश में। ठीक, हिंदी इंग्लिश जीके में बहुत प्रॉब्लम होता है, पर होना नहीं चाहिए, तो स्टैटिक जीके है। फर्स्ट गवर्नर हिंदी का करवा दिए थे हम, पहले ही करवा दिए थे, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंट, स्वतंत्रता के बाद। सर एक डाउट है सर, जो ये क्लास चल रहा है सिर्फ संडे के संडे चलेगा?
कोई बताओ यार, कोई बताओ इसको। अभी लिखो, जो जो पूछना होगा बाद में पूछना, आराम से लिखो। अरे क्लास के बाद पूछ लेना सब। इसका लिखो। ओके दीदी। ठीक है भैया। यही करो। लॉर्ड माउंटबेटन। अभी तक तो क्लास में आ रहा है, चिढ़ आ रहा है मेरे को न जाने क्यों। लॉर्ड माउंटबेटन। अब लिखो। लिखो फर्स्ट फील्ड मार्शल। फर्स्ट फील्ड। अब चलो सही से क्लास करते हैं, छोड़ो। देखो हिंदी वाले हम लिख रहे हैं, जिसका हिंदी होगा हम बता देंगे। फर्स्ट फील्ड मार्शल ही आपका आएगा, ठीक है। प्रथम, भारत में प्रथम फील्ड मार्शल ही हिंदी में लिखा हुआ है। मेरे साथ सामने हिंदी इंग्लिश दोनों का किताब है। जनरल मानिक शाह। कौन सा बुक में से लिखा रहे हैं सर? लूसेंट। मानिक शाह, जिसके पास है वो टिक कर सकते हो। उसके बाद लिखो, इसमें भी सब पढ़ना नहीं है, इसमें बहुत सा है। फिर लिखो हाँ, फर्स्ट इंडियन टू स्विम अक्रॉस द इंग्लिश चैनल। इंग्लिश चैनल जो है आपका ब्रिटेन और ये फ्रांस के बीच में एक समंदर के, समंदर कह सकते हो, चैनल है। उसको यही बोलते हैं कि प्रथम भारतीय जिसने इंग्लिश चैनल को तैरकर पार किया। मिहिर सेन प्रथम भारतीय जो इंग्लिश चैनल को तैरकर पार किया, मिहिर सेन। एक फूल पत्ती वाला क्लास आता है, देखते हो यूट्यूब पे? यस सर। तो हिंदी में पढ़ाता है या इंग्लिश में पढ़ाता है? हिंदी में। दोनों में सर पढ़ाता है, लिखा रहता है दोनों में। ना ना, हिंदी में लिखा रहता है। हिंदी में सर लिखा है। सर फिर से एक बार बोल दीजिए। फर्स्ट इंडियन टू स्विम अक्रॉस द इंग्लिश चैनल, इंग्लिश चैनल को तैरकर पार करने वाले प्रथम भारतीय मिहिर सेन। फर्स्ट फील्ड मार्शल जनरल मानिक शाह। इसका आंसर तो आरती शाह ने होगा। तो सर वो लोगों में तो आरती शाह है। तो सर वो आरती शाह फीमेल का है, मतलब भेजे थे ना पीडीएफ। फीमेल का था सर, फीमेल का था। फर्स्ट इंडियन टू गेट जनपथ अवार्ड, ये जे है जनपीठ अवार्ड। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय जी शंकर कुरूप। ठीक है, शंकर कुरूप याद करो ना, शंकर कुरूप। नेक्स्ट लिखो जल्दी जल्दी, बहुत पीछे हो यार, बहुत जन। जी कुछ बोल देते हैं। हाँ सर, दी लिखेंगे, जे लिखें सर। चुप हो यार। राज्य से संबंधित लोक नृत्य जो लिखाए हुए थे ना, हाँ हाँ, उसके बाद वाला क्लास छूटा हुआ है उसके, और प्रमुख पुरस्कार एवं सम्मान वो सब है। तो वो कर प्रमुख पुरस्कार एवं सम्मान से पहले वाला क्लास और लोक, तो ये जब रिकॉर्ड होगा ना तो आप आगे बढ़ा बढ़ा के देख लीजिएगा जहाँ पे वो आपका मिल जाए। यस सर, एक क्लास इसका छूटा हुआ, प्रमुख व्यक्तियों के लोकप्रिय उपनाम छूटा हुआ है। फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष। देखो भारत के संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष, संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष लिखो, डॉक्टर कौन? राजेंद्र प्रसाद। मतलब पहले सच्चिदानंद सिन्हा बने थे ना,
अस्थाई थे, अस्थाई थे, जब कोई नहीं रहता है तो अस्थाई बनाया जाता है, जब फिर अस्थाई बन जाते हैं तो उनको हटा दिया जाता है। वो अस्थाई नहीं थे, अस्थाई। हाँ यस सर, आप सही बोले। फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन रिपब्लिक डॉक्टर जाकिर हुसैन। बिल्कुल सही, डॉक्टर जाकिर हुसैन। 3 घंटे क्लास करोगे ना? हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर, 4 घंटे में पूरी बात करेंगे, कर लेंगे सर। ठीक है सर, इसका हिंदी। प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति लिखो, फर्स्ट लोकसभा स्पीकर ऑफ लोकसभा, फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा जीवी मावलंकर, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष, यही होता है ना स्पीकर? गणेश वासुदेव मावलंकर, गणेश वासुदेव जीवी मावलंकर। ठीक है, नेक्स्ट लिखो सर। हाँ सर, ऑप्शन में जीवी रहेगा नाम, जीवी या गणेश वासुदेव मावलंकर कुछ भी रहे। फर्स्ट पर्सन टू मेक प्रिंटिंग प्रेस पॉपुलर इन इंडिया। एक पर एक फ्रॉड आदमी है दुनिया में, फेक पेमेंट का स्क्रीनशॉट बना के देता है, बताओ यार। जेम्स हिक्की, वो तो हम बताओ। हिंदी ट्रांसलेट कर दीजिएगा सर। प्रथम प्रिंटिंग प्रेस मतलब कि बता दे रहे हैं, देखो ना, प्रिंटिंग प्रेस कहने का मतलब न्यूज़पेपर ना सर। हाँ, न्यूज़पेपर, छपाई, छपाई की कला सर। हाँ छपाई, प्रथम छपाई करने वाला व्यक्ति, ऐसे हम देखो पढ़ लेते हैं यहीं कहीं जो मिल जाए तो वो बता देंगे। हिक्की बाबा, हाँ, भारत में प्रथम समाचार पत्र शुरू करने वाला व्यक्ति, भारत में प्रथम समाचार पत्र शुरू करने वाला व्यक्ति, भारत में प्रथम समाचार पत्र शुरू करने वाला व्यक्ति। क्लियर है सर? यस सर। चलिए अब आ जाइए, फर्स्ट प्रेसिडेंट, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन रिपब्लिक लिखा दिए? जी जी ठीक ठीक। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लिखा दिए ना? अब लिखो, ये लिखा है फर्स्ट, इसका लिखो फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर, हिंदी इंग्लिश, फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। लिखो मौलाना अबुल कलाम आजाद। अब सबको कंफ्यूजन हुआ, मौलाना अबुल कलाम आजाद। ठीक, लिखो अगला सर, इसका हिंदी नहीं बोले। प्रथम स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री, स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री। अब एक लय में होते हैं ना तो प्रॉब्लम होता है, हिंदी बोलना इंग्लिश बोलना, हिंदी बोलना इंग्लिश बोलना। स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री। अब लिखो फर्स्ट प्रधानमंत्री ऑफ स्वतंत्र भारत, जवाहरलाल नेहरू। लिखो झूलीलाल नेहरू। अच्छा भाई जी, मैं जा सकता हूँ क्या? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप चले जाइए।
तो एक बात पूछना था, ये जो जीके है वो तो खत्म हो चुका होगा ना लगभग हम लोगों का सर? हाँ कुछ कुछ बचा हुआ है जो दे देंगे। जो पीडीएफ भेजे हैं उतना ही? जी लगभग कितना मतलब पेज छोड़ कर रख दे जो जिसमें जीके हो जाएगा, तो वही हिसाब से फिर रीजनिंग स्टार्ट करना है उसी में। जीके के लिए छोड़ दीजिए 10 पेज और छोड़ दीजिए, हम 10 पेज लिखवा देंगे और कभी बैठ कर आराम से। ठीक ठीक है, ठीक फिर लिखिए ओके। फर्स्ट होम मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, होम मिनिस्टर का क्या होता है हिंदी गृह मंत्री लिखो, लिखो सरदार में? बल्लभ वल्लभ भाई पटेल। ऊपर करें? यस सर। नहीं यस सर, नहीं नहीं सर, एक मिनट। नो सर। बस चलिए अब आ जाओ उपराष्ट्रपति। फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। अब मेहनत कर दो भाई, स्टार्ट कर दो, मेहनत नहीं हो जाएगा फिर एडमिशन नहीं हो। डॉक्टर सर्वपल्ली राधा कृष्णा। राधा अब 3 घंटा नहीं रहोगे ना, फिर बोलोगे कि सर ये ना ये कर दिए वो कर दिए, तो हम ना अपलोड करेंगे। कितने लड़के अभी हो देखने दो जरा सा, 41 हो ना? सर, इसका हिंदी स्वतंत्र भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति यही ना होगा? हाँ स्वतंत्र भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति। चलिए और आ जाओ फिर। हाँ फर्स्ट देखो, फर्स्ट लार्ज स्केल एटॉमिक रिएक्टर ऑफ इंडिया। किसका माइक ऑन है सर? प्रथम परमाणु बनाकर अप्सरा, अप्सरा 1956 में। हिंदी सर? भारत हिंदी के प्रथम परमाणु बना। भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर, जिसका हिंदी आए भाई कोई बता, हेल्प कर देना, वो फिर हम लिखते जाते हैं जल्दी जल्दी, फिर नहीं तो नहीं खत्म करें। फिर फर्स्ट पर्सन कितना हुआ बताओ? सर आंसर 19 सर। 1990 मात 19 हुआ अभी। हाँ सर। फर्स्ट पर्सन टू गेट परमवीर चक्र। लिखो मेजर सोमनाथ शर्मा। यूट्यूब पे अपलोड नहीं करेंगे, पहले बता दे रहे। हाँ बोलो ना। मैं सर यात्रा कर रहा हूँ, इसलिए नेटवर्क प्रॉब्लम चल रहा है सर, आप यूट्यूब पे डाल दीजिएगा। ठीक। परमवीर चक्र प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय। ठीक है सर, कर देंगे सर, फर्स्ट कर देंगे सर। आप यात्रा कीजिए, आपका यात्रा ठीक है, आपका यात्रा शुभ मंगलमय हो। आप यात्रा कीजिए, हम आपका अपलोड कर देंगे। सर हाँ सर, सब मरीज। अरे एमडी फूल मैक बंद करो ना यार, सर इसको रिमूव कीजिए, यात्रा करेगा, हल्ला कर रहा है। फर्स्ट न्यूक्लियर सबमरीन ऑफ इंडिया कर देते, INS चक्र। यात्रा कर रहा है ना भाई, फर्स्ट न्यूक्लियर सबमरीन ऑफ इंडिया INS। भारत का प्रथम परमाणु पनडुब्बी, भारत का प्रथम परमाणु पनडुब्बी, भारत का प्रथम परमाणु पनडुब्बी। लिखो फर्स्ट साइंटिस्ट, फर्स्ट साइंटिस्ट
लिंक देंगे, काध काध को लिंक दे देंगे, बाकी हम अपलोड पब्लिकली नहीं करेंगे। टू गेट नोबेल प्राइज आधा वीडियो अपलोड करेंगे काट काट कर। इन द फील्ड ऑफ क्या, मेडिकल साइंस बताओ। बताओ हर गोविंद खुराना प्रथम भारत के प्रथम वैज्ञानिक जिन्हें क्या मिला, नोबेल प्राइज पुरस्कार मिला किस क्षेत्र में, मेडिकल साइंस के क्षेत्र में प्रथम भारतीय जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला, मेडिकल साइंस के क्षेत्र में। मेडिकल साइंस का क्या होता है हिंदी, कौन सा विज्ञान? चिकित्सा विज्ञान में प्रथम व्यक्ति जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला, ठीक है। अगला लिखो फर्स्ट, ये सब इम्पोर्टेंट है, जो हम सिर्फ हम आपको कम ही लिखा रहे हैं क्योंकि जो एकदम इम्पोर्टेंट है वही लिखवा रहे हैं। फर्स्ट एयरक्राफ्ट कैरियर इंडियन शिप बताओ। सर अभी कितने एयरक्राफ्ट है सर हमारे पास? ना पता है भाई। INS विक्रांत सर जिसमें से फ्लाइट उड़ता है वही एयरक्राफ्ट ना सर, जिसमें फाइटर प्लेन। हाँ अगला अगला फर्स्ट क्या, इंग्लिश बताएं इसका। भारत का प्रथम विमान वाहक पोत, प्रथम विमान वाहक पोत, विमान वाहक पोत फर्स्ट चाइनीज। अच्छा बाहक के बाद क्या बोले सर? भारत का प्रथम विमान वाहक पोत, पोत फर्स्ट चाइनीज। अभी एग्जिस्ट करता है कि नहीं सर INS विक्रांत? नहीं, इसी से तो बजाज INS विक्रांत अब नहीं है, तब तो बजाज एक मोटर बाइक लेकर आया था उसका नाम विक्रांत था ना, तो उसी के बजाज जो बजाज का विक्रांत उसी के जो पूर्वज थे उससे विक्रांत ये हुआ था। फर्स्ट चाइनीज पिलग्रिम टू विजिट इंडिया सर विक्रांत नियम है। हाँ उसका नाम है जैसे मेरा कृष्णा कांत है उसका विक्रांत है। फाहियान हिंदी प्रथम चीनी यात्री भाई। हाँ भाई कोई हिंदी पीछे से करते जाना यार, हम लिखेंगे करते जाना, नहीं मेरे से संभव हो रहा है। फर्स्ट मीडियम रेंज मिसाइल पर होगे ना मेरे साथ, तो हम BHU आपका क्रैक करवा देंगे, GK में तो नहीं प्रॉब्लम होने देंगे। अग्नि फर्स्ट, उसके बाद लिखो सर इसके हेलो फर्स्ट इंडियन मिसाइल, फर्स्ट इंडियन मिसाइल सर वो पिलग्रिम लिखे हुए हैं क्या सर? हाँ सर पिलग्रिम। फर्स्ट इंडियन मिसाइल पृथ्वी अग्नि पिलग्रिम मतलब मुसाफिर ना सर? क्या पिलग्रिम मतलब मुसाफिर ना? अरे पिलग्रिम होता दर्शन यात्री करके इसका नाम होता है। दार्शनिक दार्शनिक। अच्छा फर्स्ट क्लास वाले अब समझ में कुछ आ रहा है क्या कर रहे हैं हम लोग? यस सर बहुत बढ़िया से आ रहे हैं। इंडियन फर्स्ट न्यूक्लियर सेंटर रहोगे ना 8-9 बजे तक रहोगे ना? यस न्यूक्लियर सेंटर जहाँ चले जाओगे 20 लड़का से कम होगा तो फिर हम बंद कर देंगे। तारापुर लाइब्रेरी से आते हैं भाई, जानते हो लाइब्रेरी से आते हैं एकदम कुछ नहीं फ्रेश भी कुछ नहीं होना, सीधे लैपटॉप निकालते हैं पर क्लास लेते हैं, वहाँ भी पहले क्लास करते रहना है, अपना क्लास देखना है,
ये सब पूरे काम देगा। बीपीएससी मेरा पहले टारगेट है। आप लिखो लिखो इनपे क्या होगा, न्यूक्लियर सेंटर मतलब लिखो, न्यूक्लियर सेंटर न्यूक्लियर परमाणु केंद्र, परमाणु के अंदर लिखो परमाणु। यस सर। आप लिखो फर्स्ट ब्रिटिश आंसर क्या तारापुर, फर्स्ट ब्रिटिश टू विजिट मुगल मुगल कोर्ट। तो आप हिंदी नहीं बता रहे, बहुत प्रॉब्लम हो रहा है सर। हिंदी साथ में लिखा था, चलिए ना सर, नहीं पूरा होगा। हाँ सर, हिंदी बताते चलिए ना, तो इंग्लिश को सर कल एक लड़का हिंदी बता रहा था तो मैं बोली कि सर से हम पूछे हैं, इस कारण हम नहीं बता पा रहे हैं हिंदी। हाँ भाई, ये पांडे जी आप हैं? अरे भैया आप हिंदी मत बताइए सर, बताने दीजिए सर को। यस सर, कल एक लड़की भी बोली थी कि हम केवल सर से हमको जानना है। पांडे जी आप इंग्लिश हिंदी कर दीजिए। अच्छा लिखो छोरो, मुगल दरबार में पहुंचने वाला प्रथम ब्रिटिश, मुगल दरबार में पहुंचने वाला प्रथम ब्रिटिश। अजय इसने हिंदी में पढ़ना, 12th कैसे पास कर लिया? क्या 12th में कैसे क्लास किया होगा सर? जो भी सर हिंदी में बोल रहा है 12th में, सारी क्लास तो इंग्लिश हिंदी मीडियम में किए थे भैया, ऐसा कुछ नहीं है। अरे यार क्लास, अरे भाई हम करवा रहे हैं ना हिंदी में। लड़ते रहता है। फर्स्ट इंडियन इलेक्शन कमिश्नर, इलेक्शन निर्वाचन, प्रथम भारतीय निर्वाचन कमिश्नर, फर्स्ट इलेक्शन कमिश्नर सर, निर्वाचन आयोग। हाँ निर्वाचन आयोग, देखो सब है ना, प्रथम भारतीय कमिश्नर निर्वाचन आयोग, कमीशन ना निर्वाचन आयोग होता है, कमिश्नर सुकुमार सेन। देखो सुकुमार सेन, सुकुमार सेन, सुकुमार सेन, ऊपर करते हैं, रुको इसको सर। ये सर हॉकिंस के पहले क्या लिखे हैं? हॉकिंस के तारापुर, तारापुर नहीं नहीं तार, पूरा पूरा नाम क्या है वो हॉकिंस? विलियम्स हॉकिंस, विलियम्स हॉकिंस। चलो चलो रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, चलो अब आ जाओ। अभी कितना हुआ? 29। यस सर 29। अभी तो लिखना भी दिल्ली दूर है। फिर फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ का चीफ ही होता है, प्रथम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। देखो ना हम बता देते हैं इसका, प्रथम भारतीय इसका क्या है सर, फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हीरालाल जीकानिया, मुख्य न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश, यस मुख्य न्याय, प्रथम भारतीय मुख्य न्यायाधीश हीरालाल जीकानिया। यही फायदा है ना बोल बोल कर, प्रथम भारतीय मुख्य न्यायाधीश, प्रथम भारतीय मुख्य न्यायाधीश हीरालाल जे कानिया, ठीक है। इंडिया फर्स्ट, जब पढ़ोगे ना यहाँ पटना विश्वविद्यालय में तो आधा टीचर हिंदी का रहेगा, आधा टीचर जो रहेगा इंग्लिश का रहेगा, आधा हिंदी लिख कर जाएगा, आधा इंग्लिश लिख कर जाएगा। हम अडॉप्ट कर चुके सर इंग्लिश हिंदी दोनों को सर। नालंदा भारत, नालंदा भारत ऐसा देश में करना ही पड़ेगा। नालंदा यूनिवर्सिटी, फर्स्ट प्रथम विश्वविद्यालय लिखो हिंदी वाले, प्रथम विश्वविद्यालय, प्रथम विश्वविद्यालय। स्क्रीनशॉट ले रहे हो ना? सर थोड़ा ऊपर कीजिएगा सर, बहुत दूर जाना है सर, एकदम तेजी में लिखते जाइए, आगे बढ़े। यस सर, यस सर। सर एक मिनट सर, बस लास्ट वाला रहने दीजिए सर। फर्स्ट ऑर्गेनाइज्ड इंडियन, फर्स्ट ऑर्गेनाइज्ड यूनिवर्सिटी नालंदा यूनिवर्सिटी। अगला लिखो फर्स्ट इंडियन,
टू क्लाइंब माउंट एवरेस्ट विदाउट ऑक्सीजन। माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने के लिए पैसा लगता है? हाँ सर, काफी ज्यादा इक्विपमेंट लगता है। यस सर, 35 लाख लगता है सर। विथ ऑक्सीजन या विदाउट ऑक्सीजन? विदाउट ऑक्सीजन। विदाउट है वो, यूटी छोड़ दिए सर। बिना ऑक्सीजन को चढ़ी कैसे होगी सर? चढ़ गई, शेरपा थी ना। शेरपा का मतलब समझते हो? नहीं। शेरपा कोई आदमी, यदि जैसे कि कोई आदमी बोलता है ना कि हम चढ़े हैं माउंट एवरेस्ट पे, तो वो आदमी नहीं चढ़ता है, उसको चढ़ाया जाता है। उसका जितना सामान होता है, सीढ़ी होता है, उसका रस्सी होता है, खाना होता है, ऑक्सीजन होता है, वो शेरपा लेकर चलते हैं। शेरपा कंपनी का आदमी होता है जो आपको रास्ता भी बनाएगा। जो 8848 मीटर चढ़ना होता है तो कैसे कैसे क्या रास्ता वो बनाएगा, सिर्फ आपको रस्सी से बांध भी देगा, आपको सिर्फ उसके साथ चढ़ते जाना है, रस्सी पकड़ पकड़ कर, वो भी रस्सी आपका लॉक रहता है। जो रास्ता बनाता है वही शेरपा बनाता है। एक एक आदमी के साथ एक शेरपा होता है जो कंपनी का होता है। एक एक शेरपा मतलब एक एक बार में, मतलब एक कंपनी चढ़ा फिर अगले साल वही चढ़ा, तो वे 20-20 बार चढ़ा है ऐसा आदमी। यस सर, एक गाइड करने वाला होगा। गाइड करने वाला, हाँ, वही रास्ता भी बनाता है। जैसे कि आदमी कैसे होगा चढ़ेगा, कोई बोलता है कि हम चढ़े तो वो नहीं चढ़ता है ना, वो तो सिर्फ जाता उसका, है। यस सर, उसका काम है लक्ष्य तक पहुंचाना। हाँ, अच्छे से, बिल्कुल ठीक है। यस, फिर शेरपा फूड और जी लिखवा दिए। अब लिखो, अब लिखो, ए बंद करो। अब लिखो फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी ऑफ इंडिया। सर हिंदी बताइए। टेस्ट ट्यूब का टेस्ट ट्यूब ही होता है सर, पिछला का भी नहीं बताया। बता दे रहे हैं, बता दे रहे हैं, ये लिखने दो, उसके बाद बता दे रहे हैं। माउंट एवरेस्ट पे बिना ऑक्सीजन के माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाला प्रथम व्यक्ति, बिना एवरेस्ट के माउंट एवरेस्ट पर, बिना ऑक्सीजन के माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाला प्रथम व्यक्ति। फिर दूसरा लिखना कि प्रथम टेस्ट ट्यूब बेबी, फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी ऑफ इंडिया, बेबी हर्षा। फिर प्रथम पायलट, भारत के प्रथम पायलट जे.आर.डी. टाटा। जे.आर.डी. टाटा टाटा ग्रुप के फाउंडर है ना सर। फिर लिखो फर्स्ट इंडियन, प्रथम पायलट, भारत के प्रथम पायलट, भारत के प्रथम टेस्ट ट्यूब बच्चा या बेबी लिखो ना, ठीक है। अब लिखो जे.आर.डी. टाटा हो गया ना। अब लिखो फर्स्ट इंडियन टू रीच अंटार्कटिका। और चैनल पे सब तैयारी करवा रहा है, और कोई कहीं कर रहा है? सर हमको तो बस आप ही के बारे में पता चला सर, यूट्यूब एक दिन खोले तो। लिखो रामचरण, दो चार को बड़ा बड़का दुश्मन मेरा बन गया है। सर क्वेश्चन इंग्लिश हिंदी दोनों में ना आएगा? हाँ दोनों में आएगा। बोलिए ना सर किसको ठुआते हैं। देखो फर्स्ट ऑफिस, फर्स्ट पोस्ट ऑफिस, मेरा सब इतना मतलब लड़का आ जाता है ना, और सबको इसलिए सबको लगता है कि मेरा आ नहीं रहा, मेरा कोर्स चल नहीं रहा। सर यहाँ बहुत मर्डर होता है, बोलिए ना सर किसी को यहाँ हो जाएगा व्यवस्था। सर कुछ बड़ा करने जाइएगा तो दुश्मन बनेगा ही। आई भाई जी सबका मर्डर फिर करते चलेंगे। फर्स्ट सर इस बार प्रेसिडेंट इलेक्शन में उठिए, प्रेसिडेंट इलेक्शन में। फर्स्ट डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। अरे इधर हिंदी में अंटार्कटिका पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति, प्रथम मतलब प्रथम डाकघर, भारत में प्रथम डाकघर, फर्स्ट डिप्टी उप प्रधानमंत्री, फर्स्ट डिप्टी पीएम मतलब प्राइम मिनिस्टर लिख देना आप लोग ऑफ इंडिया। कौन था बताओ, कौन थे? लिखो सरदार वल्लभ भाई पटेल। सर सर बोलिए। टेस्ट बेबी ऑफ इंडिया हर्षा लिखे ना, बेबी हर्षा। हाँ
सर ये क्या लिखे सर अंटार्कटिका पहुंचने में रामचरण 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 ट्रिपल आर यहाँ तक रहने देते हैं थोड़ा सा और नीचे कीजिए कितने लोग हो तुम लोग अभी 39 भाग रहा है सब भागता है अच्छा कोई बात नहीं मेरे को तो 350 रुपया दे दियो अब भागोगे भी तो अपना लोगे मेरे तो अकाउंट में आ गया है चलो कौन सर पेमेंट सर एक बात करना था सर सर हाँ सर आपको अभी कुछ सकता है दोपहर के टाइम में आप ग्रुप में डालें कि जो भी अभी एडमिशन लेगा उसको 50 रुपीज कैशबैक मिलेगा तो हमने तो अरे वो नहीं डाले थे कि आपके थ्रू कोई लड़का आएगा ना तो आपके 350 में आपके 50 रुपया रिटर्न कर देंगे सर एक लड़का ये हम बोले सर आपको कैसे बोले हो कि मेरे थ्रू आया सर कैसे पता चलेगा आप उसको बोलेगा सर कि एक लड़का है आप उसका स्क्रीनशॉट हम सेंड करेंगे सर फर्स्ट इंडियन पीएम टू रिजाइन फ्रॉम ऑफिस दिगंबर आर जी देसाई अंतिम में ही सब बात करेंगे अभी पर हो मुरारजी देसाई एडवर्टाइजमेंट ही करवा लेगा सर आपसे अब लिखो अगला लिखो अब बंद करो फर्स्ट प्रेसिडेंट हिंदी वाले बोलना कि यहाँ प्रॉब्लम हुआ है फर्स्ट प्रेसिडेंट सर कितना बार बोलेंगे ऑफ इंडिया कौन आप कौन ऑफ इंडिया डाई इन ऑफिस सबका हिंदी बताते चलिए सर ठीक है बता दे रहे हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन अब ये किसका पंखा चल रहा है सरदार वल्लभ भाई पटेल क्या है भारत में प्रथम उप प्रधानमंत्री भारत के प्रथम उप प्रधान डिप्टी प्राइम मिनिस्टर मतलब उप प्रधानमंत्री प्रथम उप प्रधानमंत्री जिन्होंने कार्यकाल में रिजाइन दे दिया कार्यकाल रहते हुए मतलब ऑफिस से रिजाइन दे दिया रिजाइन फ्रॉम ऑफिस मतलब उनका कार्य था फिर भी वो अपने ऑफिस से रिजाइन दे दिया मुरारजी देसाई आपके किसके थे बीजेपी के थे और फिर फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डाई इन ऑफिस मतलब कि कार्यकाल के दौरान मतलब मरने वाले मरना तो गलत होगा बोलना मरने पर मरना ही होगा सही तो हो नहीं सकते फौजी थोड़े प्रथम राष्ट्रपति जो आपके कार्यकाल के दौरान मर गए डॉक्टर जाकिर हुसैन ठीक है फिर अब लिखो फर्स्ट मेल कितना हुआ 5-10 हजार जी के दे देंगे ना तो हो जाएगा आप लोग का 10,000 क्वेश्चन सर फर्स्ट मेल टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट याद कितना रखना पड़ेगा उसमें 10,000 देंगे तो 9,000 तो याद रखना ही पड़ेगा भाई माउंट एवरेस्ट वाइस 20 मार्क्स के लिए गोम्बू शेरपा एयरफोर्स में मेरा 7 नंबर का आता था जीके इसके लिए पूरा जीके पढ़ना पड़ा था और 1 नंबर से फाइनल मेरिट लिस्ट में छटे हैं मतलब लगा कि अब मेरा ज्वाइनिंग हो गया हम एयरफोर्स में जा रहे हैं मैं छट गया 1 नंबर से एक्स ग्रुप ए वाई ग्रुप से सर वाई ग्रुप से हिंदी सर वाई ग्रुप से सर वाई ग्रुप का कट ऑफ कितने पे बनता होगा अरे यार सर हिंदी थोड़ा कर दीजिए फर्स्ट मैन क्लाइम टू माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाले प्रथम व्यक्ति गोम्बू शेरपा माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाले प्रथम 2 बार चढ़ने वाले प्रथम व्यक्ति गोम्बू शेरपा फिर है पचास नहीं हुआ ना 40 हुआ सर 40 हो गया ऑस्कर अवार्ड प्राप्त करने वाली प्रथम ऑस्कर अवार्ड भानु थैया ऑस्कर अवार्ड प्राप्त करने वाला प्रथम व्यक्ति भानु थैया
अब लिखो चलो छोड़ो इधर आ जाओ, ये क्या हो गया, ये क्या सर इसका फिर से वन दे बोलो सर, ये कहाँ से आ गया है सर? मैं ऑस्कर अवार्ड पाने वाली पहला, ऑस्कर अवार्ड प्राप्त करने वाले प्रथम भारत के प्रथम व्यक्ति, ऑस्कर अवार्ड करने वाले भारत के प्रथम व्यक्ति। चलो अब ये इतना हो गया, अब आओ फीमेल, फर्स्ट इन इंडिया फीमेल, अब आओ। रुके सर, 41 आप रहने देते, नौ भानु अथैया, भानु अथैया, भानु अथैया, थोड़ा सा नीचे कीजिए ना सर, ऊपर वाला एक छोटा हुआ, इतना बड़ा ही क्लास हो जाएगा ना कि यूट्यूब पे अपलोड भी नहीं कर पाएंगे इसको। सर मेरा बार बार कट जा रहा है नेट के कारण, फिर भी कर रहा हूँ यात्रा, यात्रा में हो ना भाई, तो यात्रा करो ना, क्या दिक्कत, हाँ करो ना। फर्स्ट इन इंडिया तो आप सर बोल रहे हैं यूट्यूब पर नहीं डालेंगे तो फिर सर प्रॉब्लम। अच्छा डाल देंगे भाई, डाल देंगे भाई, जहाँ तक डला जाएगा जितना क्लास उतना डाल देंगे। फर्स्ट इन इंडिया फीमेल लिखो, फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट। अच्छा सर क्लाइम, सर फर्स्ट मैन टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट क्या बोले थे, ऊपर कर दिए ना, क्या फर्स्ट मैन टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट, दूसरी बार ना, गोम्बू शेरपा, गोम्बू शेरपा, गोम्बू शेरपा। अब फर्स्ट वुमेन हम नहीं लिखेंगे, फर्स्ट वुमेन आपको लिखना है, बाकी हम यहाँ पे। हेलो सर, हाँ सर, सभी का पीडीएफ बना के डाल दीजिए ना, इतना टाइम पास क्यों कर रहे हैं, दूसर चीज पढ़ाइए। पीडीएफ कहाँ से भाई डाल देंगे हम, पर लिखवाएंगे कि पीडीएफ डालेंगे, कॉपी पर लिख के नहीं सर, आप पढ़ाइए ना। प्रतिभा पाटिल, हम कहाँ से पीडीएफ बना के डाल दें, हम लिखना लिखना पड़ेगा तो हम लिखे पहले जहाँ। 41 नंबर में क्या लिखा है क्वेश्चन? अच्छा ये जो है ये इसमें 53 है, सुनो ना इधर 120 क्वेश्चन टोटल है इधर, तो हम पहले ऑस्कर फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट श्रीमती प्रतिभा पाटिल, अब फर्स्ट वुमेन आप लोग लिख दीजिएगा, हम बाकी लिखते चले जाते हैं। प्राइम मिनिस्टर उतना मतलब हम टाइम है मेरे पास कि हम पीडीएफ बनाएंगे, पीडीएफ बना के डालेंगे। इंदिरा गांधी, हम इसमें जो इम्पोर्टेंट है लूसेंट है वो हम आपको बताते चले जा रहे हैं, आप लिखते जाइए, लिख इसलिए हम लिखवा रहे हैं कि आप लिखिएगा तो आपको याद होगा, ऐसे कोई पीडीएफ नहीं पढ़ता, नहीं तो पूरा जीके का है, हम पूरा जीके का ही पीडीएफ दे देंगे। वैसे अगर फर्स्ट वुमेन गवर्नर, फर्स्ट वुमेन आपको लिखना है, हम लिखते जा रहे हैं गवर्नर। अरे बैकग्राउंड में बहुत नॉइज आ रहा है। सरोजनी नायडू, अच्छा ये बात बोलता है भाई साहब कि ये कर टाइम पास कर रहे हैं, क्लास की हो पटना में कभी, उसमें भी तो वो लोग पीडीएफ बना के सीधे भेज सकता है, समझा सकता है, तो बोर्ड पे उतना लिखवाता क्यों है, शुरू से लिखवाते जाता है फिर लिखने के लिए बोलता है, फिर लिखवाता है, लिखता हम लोग तो बोर्ड लिखने से याद होता है, लिखने से याद होता है पीडीएफ। सर फर्स्ट वुमेन रूलर, फर्स्ट वुमेन आपको लिखना है, रूलर हम लिखते हैं, लिखो रजिया सुल्तान। भाई हम आपको पीडीएफ भेज देंगे, अच्छे से लिख के भेज देंगे, आप क्लास को लीड कर सकते हैं। रूलर का सर क्या होगा हिंदी? रूलर मतलब राजा होता राज है, राज करने वाली शासिका। गवर्नर मतलब राज्यपाल, गवर्नर मतलब राज्यपाल, शासिका प्राइम मिनिस्टर मतलब प्रधानमंत्री। इसके साथ अगला लिखो, फिर आगे आने वाले समय में वो लिखाना ही पड़ेगा हमको, बहुत चीज इसमें अच्छा अच्छा है जो लिखाना, अभी तो ये सब लिखते जाइए। इसके साथ पर आईपीएस ऑफिसर, फर्स्ट वुमेन आप लोग लिख रहे हो ना? यस सर, यस सर, सर हाँ, किरण बेदी, किरण बेदी, प्रतिभा पटेल से क्या लिखे उससे पहले सर? श्रीमती प्रतिभा, प्रतिभा पाटिल, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। एक मिनट रुको, हम देखो पीडीएफ नहीं बनाए हुए, एक मिनट बोलता है तो चीर भरता है मेरे को, एक मिनट रुको तो तुम लोग देखो एक चीज दिखाते हैं सर, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, रुक जाओ रुक जाओ,
जो पढ़ना जो तुमको वही पढ़ना है वही पढ़ाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। चलो जाओ कुछ दिखा नहीं रहे, वो क्लास करवा रहे हैं वैसे, मेरे पास सब ऑप्शन है ना। क्लियर सर, जो अटेंड नहीं कर रहा उसके लिए अवेलेबल बाद में करवा दीजिएगा, अभी क्लास। रुक जाओ भाई, एक मिनट बस, रिव्यू। चलो स्लाइड शो फ्रॉम बिगिनिंग, बस एक मिनट आ जाओ, स्क्रीन शेयर कर रहे हैं। अब हम समझाएंगे कम और ये कर देंगे हम ज्यादा। दिखाई दे रहा है? यस सर। ठीक बोल दिया सर आप। यस सर। ठीक है ये सर, पहले वाले ठीक था सर, जैसे आप करवाते सर। लिखो, टू रीच माउंट एवरेस्ट एडमंड हिलरी शेरपा टेंजिंग कब चढ़े थे? 19 मई 1953 को। ठीक है तो सर, ये फीमेल का हो गया लिखाया हुआ सर? फीमेल मेल का लिखवाए थे ना, अभी फीमेल का स्टार्ट किया है ना। फीमेल का कितना हुआ? फीमेल स्टार्ट किया सर, फीमेल 5 ही हुआ है अभी। तब सर वैसे लिखवाए ना सर, जैसे लिखवा रहे सर, फीमेल का लिखवा दें। फीमेल का सर, जैसे आप लिखवा रहे थे वैसे ही लिखाइए ना। सर मैं लिखवा दीजिए सर, पहले वाला ही ठीक था सर। ठीक है, हम फीमेल वाला लिखवा देते हैं। जिसको लिखना होगा उसको भेज दीजिए। ये देखो तुम्हारे पास सारा ऑप्शन है भाई, हम तुम्हारा पीडीएफ भी देखो तैयार किए हुए हैं। ये पीडीएफ है तुम्हारा, आइए पीडीएफ भी तुम पढ़ सकते हो। इसी में समझा दीजिए सर, ऐसे ही रखना। इसमें ज्यादा क्वेश्चन हम नहीं कर पाएंगे ना भाई, हम ज्यादा क्वेश्चन हम लिखवाते क्यों है कि आपको याद होगा, लिखने से याद होता है। एक बार दिमाग एक बार लिख लिए ना तो क्वेश्चन आएगा तो टिक कर जाओगे। हम पढ़े हुए हैं, कैसे पढ़ा जाता है मेरे को मालूम है। हम पढ़ते हैं अपना क्लास बीपीएससी का, तो वहाँ पे जो बोलता है ना उसको हम लिखते जाते हैं कॉपी पे। चलो माइक ऑफ सर, ये पीडीएफ सेंड कर दीजिएगा ना। ठीक है, किसका पीडीएफ? फर्स्ट वुमेन आपको लिखना है, चीफ मिनिस्टर ऑफ अ स्टेट, किसी सीएम ऑफ अ स्टेट, प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी। ये यूपी की थी, यूपी। लिखते हैं भाई, ऐसा लिखने से याद होता है, इसलिए हम आपको लिखवा रहे हैं, और कोई मतलब नहीं है। हम आपको पीडीएफ सारा का सारा भी दे सकते हैं। फर्स्ट वुमेन तो आप लिखना, लिखो जज, और जहाँ तहाँ से लिखते हैं, इसीलिए हम कहाँ से इतना पीडीएफ बनाएंगे, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कहाँ से खोज के उसको, इतना टाइम है मेरे पास। सुप्रीम कोर्ट, मीरा साई फातिमा बीबी, फातिमा बीबी। आपको लग रहा है ना कि याद नहीं हो रहा है आपको, जब क्वेश्चन जो जो दो। हाँ बोलिए, हिंदी होगा, सुप्रीम कोर्ट की प्रथम महिला न्यायाधीश। हाँ चलो, क्लास के बीच पहली पिछला बार जब हम जानते हो 250 का कोर्स लेकर आए थे, 250 का, तो उस समय 250 देने के कारण सब लोग दे दिया, इतना लड़का आ गया, इतना कोई पीछे से भोजपुरी गाना बजा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, ऐसा ऐसा लड़का आ गया। अब कहें कि ना 350 रहेगा तो सोच के देगा पैसा, मतलब देगा कि जिसको पढ़ना है। बिल्कुल सर, फर्स्ट वुमेन सीएम ऑफ स्टेट लिखे हैं। हाँ सीएम ऑफ स्टेट, गेट अशोक चक्र, नाम ऊपर वाला एक बार फिर से बताइए। सुचेता कृपलानी अशोक चक्र प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला।
प्रथम सुप्रीम कोर्ट के पूरा क्या नाम लिखे हैं? मीरा साहिब फातिमा बीबी, मीरा साहिब फातिमा बीबी, मीरा साहिब फातिमा बीबी, निर्जा भनोट। छोटा सा क्लास का आ रहा है सर क्या? हाँ, और बाकी सबका छुट्टी है? हाँ छुट्टी है। अच्छा आप साइंस वाले हैं? यस सर। तो आपका छुट्टी है ना, साइंस संडे है ना आज? यस सर। यस तो आपका ये सब कर लिए थे आप? यस सर कर लिए थे। बिल्कुल सही। फिर अशोक चक्र पाने वाली प्रथम महिला। हाँ फिर लिखो अम्बेसडर, यूनाइटेड नेशन में प्रथम महिला राजदूत, अम्बेसडर ऑफ एट यूनाइटेड नेशन। यूपीएससी से ही जाता है ना सर? हाँ सब प्राइम कोर्ट लिखे है ना बोलता है सर? सर कहाँ, सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। ओ सुप्रीम कोर्ट है। विजया लक्ष्मी पंडित, जानते हो जब हम ऐसे जैसे वो पीडीएफ ऐसे करके पढ़ाते थे ना, पीडीएफ बना के, प्रथम महिला भारत संयुक्त राष्ट्र में प्रथम महिला राजदूत, महिला राजदूत हम ऐसे बनाते थे। हाँ सर जी ये क्या लिखे, निर्जा के ऊपर, निर्जा भनोत। आइए मीरा साहिब फातिमा बीबी एक नाम है, ये जो है एक नाम है मीरा साहिब फातिमा बीबी। यार ये क्या हो गया। चलो अब लिखो फर्स्ट इंडियन वुमेन, तो आप लोग लिख रहे हो स्विम यस सर अक्रॉस इंग्लिश चैनल। हम पहले पीडीएफ बना के पढ़ाते थे ना, तो उतना सही पीडीएफ नहीं बन पाता है क्योंकि सब क्वेश्चन सब मिलता नहीं है, और मेरे पास टाइम नहीं है कि हम टाइप करेंगे आपका। आरती साहा। अच्छा भाई इंग्लिश चैनल पार करने वाली प्रथम महिला, इंग्लिश चैनल पार करने वाली प्रथम महिला, और बताओ फर्स्ट इंडियन वुमेन तो लिख रहे हो बिकम मिस वर्ल्ड। अच्छा ये ऐसे लिख रहे हो टू गेट अशोक चक्र, ऐसा जैसे हम लिख रहे हैं बिकम मिस वर्ल्ड, बिकम मिस वर्ल्ड रीता फारिया, कुमारी रीता फारिया, कुमारी रीता फारिया, कुमारी रीता फारिया, कुमारी रीता फारिया। सर इसका आंसर क्या है, इंग्लिश चैनल पार करने वाली प्रथम महिला आरती साहा, आरती साहा, आरती साहा, आरती साहा, आरती साहा। अभी कौन क्लास के लिए मैं आ रहा हूँ। अब अगला लिखो सर क्वेश्चन जो आता होगा सर दोनों लैंग्वेज में आता होगा ना? इंग्लिश बिल्कुल 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 दोनों, इंग्लिश हिंदी दोनों में आएगा, कोई भी एग्जाम हर का हो दोनों लैंग्वेज में आता है, जिस तरह बोर्ड एग्जाम में आता है। सर इसका क्या है बिकम मिस वर्ल्ड का, फर्स्ट इंडियन, फर्स्ट इंडियन वुमन टू क्लाइम द माउंट एवरेस्ट, माउंट माउंट एवरेस्ट लिखना, माउंट एवरेस्ट ट्वाइस, दो बार चढ़ने वाली प्रथम भारतीय, संतोष यादव, संतोष यादव। फिर भारत रत्न क्या लिखे सर? अच्छा माउंट एवरेस्ट लिखे, ये माउंट एवरेस्ट लिखे, माउंट एवरेस्ट। जल्दी जल्दी बोले थे ना आप ही लोग, बोल रहे ना कि टाइम पास कर, जल्दी जल्दी हम लिखवा दे रहे हैं, आप बाकी लिखिए। टू गेट भारत रत्न, जल्दी जल्दी पढ़ के कहाँ चल जाएंगे सर, यही ना रहना। टू गेट भारत रत्न, इंदिरा गांधी, दो घंटे का फिल्म आप लोग देख सकते हो, बताओ पर यहाँ पे दो घंटे बैठ के पढ़ना, घंटे का सर तो उसके बाद लिखो प्रथम महिला ज्ञानपीठ
पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला अन्नपूर्णा देवी है ना, ज्ञानपीठ। यस सर। लिखो टू गेट सर, प्रॉब्लम हो रहा है। क्या प्रॉब्लम हो रहा है? यही हिंदी इंग्लिश में हम बता दे रहे हैं। प्रथम भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित महिला। हाँ सही। तीन छूट गए हैं। कौन कौन? इंग्लिश चैनल पार करने वाली प्रथम महिला, मिस वर्ल्ड बनने वाली प्रथम महिला, माउंट एवरेस्ट पे दो बार चढ़ने वाली प्रथम महिला, भारत रत्न प्राप्त करने वाली प्रथम महिला, ज्ञानपीठ अवार्ड प्राप्त करने वाली प्रथम महिला, ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला अन्नपूर्णा देवी। सर ये संतोष यादव लड़की है। हाँ संतोष यादव लड़की है। 14%। एक मिनट आपने क्या लिखाई? एक मिनट रहो, थोड़ा सा एक मिनट लाइन पे, नहीं तो ये शट डाउन हो जाएगा। चार्ज कर ले, एक मिनट चार्ज पे चढ़ा देते हैं इसको। अन्नपूर्णा देवी ज्ञानपीठ अवार्डेड कैसी है सर? ज्ञानपीठ अवार्ड है क्या? हाँ। है कौन सा अवार्ड? ज्ञानपीठ अवार्ड। आप लिखो ज्ञान का, ज्ञान का स्पेलिंग तो गलत रॉन्ग लग रहा है। जनपीठ है कि ज्ञानपीठ? और ज्ञानपीठ जन वही तो जनपीठ बोल रहा है कोई ज्ञानपीठ। अन्नपूर्णा देवी सर आप कहाँ पढ़ाते हैं सर? मेरे सर पूछ रहे हैं क्या हम कहाँ पढ़ाते हैं? ज्ञानपीठ ही है वो, ज्ञानपीठ अवार्ड है। मेरे अंकल पूछ रहे हैं। हम पढ़ाते हैं पटना में है भाई। अब पटना में है, पटना में, पटना विश्वविद्यालय के अंदर है। आप लिखो फर्स्ट वुमेन तो लिख रहे हो ना? यस सर। लिखो पायलट ऑफ इंडियन रेलवे, इंडियन रेलवे कहते हैं, इंडियन एयरलाइंस। अभी हिंदी कोई बता दो इनको। सर वो ट्रांसलेटर में ट्रांसलेट हो जाएगा ना हिंदी में, बाद में वो कर लेगा सब सर में। दुर्गा सेना में प्रथम महिला पायलट। हाँ उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बाद में। दुर्गा बनर्जी है ना इंडियन एयरलाइंस का? यस सर। और प्रथम महिला एयर। अब लिखो अगला। लिखो भारत की प्रथम एयरलाइंस पायलट। प्रथम महिला एयरबस पायलट है दुर्गा बनर्जी। अब लिखो अगला फर्स्ट वुमेन तो लिख रहे हो ना, प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन कांग्रेस। प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस सरोजनी नायडू। ये जे है सरोजनी नायडू। अगला लिखो फर्स्ट वुमेन तो लिखते ही हो। यस सर। म्यूजिशियन टू गेट भारत रत्न। लिखने से याद होता है भाई, बोलता है तो क्या बोलो। लिखोगे हम खुद लिखते हैं इसलिए कि मेरे को भी जे 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 एन का सर फुल फॉर्म क्या हो? संजय महतो। हाँ सर। क्या तो इसका लिखो एम एस सुभा लक्ष्मी। बंद कर दीजिए सर, बंद कर दीजिए। अब हो गया, अब ये आपका यहाँ पे ये दो टॉपिक हम खत्म किए। अब आपका बचा हुआ ये दोनों का हिंदी बताइए ना सर। भारत रत्न प्राप्त करने वाली प्रथम म्यूजिशियन क्या उसको बोलते हैं? गायिका। गायिका संगीतकार।
हाँ संगीतकार, इसका संगीत इसका सरोजिनी नायडू एक और पहले भी आया था ना सर गवर्नर में, टी सुब्बा लक्ष्मी है ना इंडिया, हाँ वो भी आया था इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष राज्यपाल अध्यक्ष, ये अध्यक्ष इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष सरोजिनी नायडू। प्रेसिडेंट वो एनी बेसेंट इंडिया की नहीं थी ना, एनी बेसेंट ब्रिटेन की थी ना, इंडिया में बस एंग्लो इंडियन थी, हम इंडियन बात कर रहे थोड़ा सा लास्ट वाला, बस बस सर लो जल्दी लो, लो आगे बढ़ते हैं सर, पीसी में पढ़ते स्क्रीनशॉट नहीं ले पाते, इसका कोई ऐप नहीं है मेरे को भी बताओ ना, स्क्रीनशॉट लिखा के हम पीडीएफ बना बना के भेज देंगे सबको। अब लिखो लैपटॉप में सर, लिखो थर्ड नंबर फर्स्ट क्लास को सर कैप्चर कर लीजिए, दो दो चल रहा है कैप्चर हो रहा है, फर्स्ट इन द वर्ल्ड मेल एंड फीमेल दोनों, अब इसको हिंदी में लिखा है या हिंदी में लिखा है बताओ, इंग्लिश में सर, इंग्लिश में नो सर इंग्लिश में सर, छोड़ दिए थे लिखने के लिए सर, अरे सुनो ना, अरे हिंदी में ट्रांसलेट कर लेना ना, छूट गए हम लोग का फर्स्ट नहीं ना समझ में आता है, ट्रांसलेट कैसे करेंगे हिंदी में लिख ले तुम लोग इंग्लिश में ट्रांसलेट, फर्स्ट मेन टू क्लाउड माउंटेन है, समझ में आता है, अरे सर हिंदी में लिखा दीजिए सर, ये लोग जिस लैंग्वेज को प्रीफर करता है उसी में लिखा, लिखो शेरपा तेंदुलकर, अच्छा ठीक है लिखो लिखो ना, हम इंग्लिश करते चले जाएंगे हिंदी करते चले जाएंगे, सर करते चल जाएगा ना, लिख रहे हैं सर हम पुरुष हैं सर, आप बोलते हैं करते नहीं है, नहीं हो रहा है हिंदी में लिखे, हम पुरुष से छोड़ दिए सर, हो समझ ना आया हम छोड़ दिए लिख लिख, ठीक ठीक हम भी सर छोड़ दिए, शेरपा तेंजिंग नॉर्गे, हां तेंजिंग नॉर्गे सर, पूरा लास्ट वाला बता दीजिए सर, एमएस का लिखा हुआ है सर, एम एस सुबा लक्ष्मी, एम एस सुमालम एंड तेंजिंग नॉर्गे नॉर्गे एंड एडमंड हेलरी, एडमंड हेलरी, ये देखो ये इंग्लिश में पढ़ोगे ना तो काम देगा आगे, समझ में भी तो आना होता है सर, नहीं समझ में आ रहा है सर, नाम अरे सुनो ना, अरे नाम हिंदी में लिखो या इंग्लिश में लिखो, प्रोनाउंसिएशन तो एक ही होगा, हिंदी में सर लिखाते हैं तुम ही लोग पढ़ो इंग्लिश में, ट्रांसलेट करते रहना, कर लेना यार सर को बोलने दो ना यार, चलो लिखो उत्तरी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव नॉर्थ पोल, उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति सर, लास्ट वाला हम नहीं लिख पाए सर, ये लोग हल्ला कर रहा था तो, अच्छा लिखो शेरपा तेंजिंग नॉर्गे एंड एडमंड हेलरी, शेरपा तेंजिंग ये नहीं सर, एमएस वाला, एमएस सुबा लक्ष्मी, एमएस सुबा लक्ष्मी, एमएस सुबा लक्ष्मी, सुब्बा, हां सुब्बा लक्ष्मी, सुब्बा लक्ष्मी ये वाला ना, ये हां सर लो यहां पे लिख दिए इसको सर, इससे पहले वाला क्लास भी तो आप हिंदी में ही कराए थे ना, हां उत्तरी ध्रुव, अच्छा हम बता दे रहे हैं इंग्लिश इसका कर दे रहे हैं, उत्तरी ध्रुव पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति, प्रथम व्यक्ति, प्रथम व्यक्ति लिख देना आप लोग, हम नहीं लिखेंगे, प्रथम व्यक्ति नॉर्थ पोल, उत्तरी ध्रुव नॉर्थ पोल पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति, नॉर्थ पोल पहुंचने वाला, फर्स्ट मैन टू रीच नॉर्थ पोल रॉबर्ट पियरी, रॉबर्ट रॉबर्ट पियरी, पियरी ऐसे होगा ना, पियरी रॉबर्ट पियरी यूएसए का था, थर्ड हिंदी इंग्लिश इतना प्रॉब्लम हो रहा है ना, द साउथ पोल फर्स्ट मैन टू रीच साउथ पोल, साउथ पोल दक्षिणी, यहाँ पे सिर्फ दक्षिणी ध्रुव लिख दो हिंदी वाले, यहाँ पे दक्षिणी ध्रुव क्वेश्चन, उत्तरी के जगह दक्षिणी, हाँ पहुंचने वाले दक्षिणी ध्रुव प्रथम व्यक्ति, एमुंडसेन, अच्छा कैसे 12 पास, उसमें तो इंग्लिश हिंदी सब रहे,
पूरा वर्ल्ड नॉर्वे दोनों वर्ड वहाँ पे इंग्लिश हिंदी इंग्लिश हिंदी बायोलॉजी जो पढ़ता होगा इसमें आधा वर्ड इंग्लिश में है बायोलॉजी में बिल्कुल बिल्कुल सर बिल्कुल सर इंग्लिश में लिखते थे और हिंदी में समझा देते थे अच्छा हाँ तो विश्व का पहला धर्म फर्स्ट इंडियन रिलीजन पर हो ना भाई तुम सब हम छोड़ देते हैं की दिक्कत ना ना लिखो ना भाई तुम लिखो तुमको छोड़ कैसे सकते हैं लिखो लिखो सर थर्ड नंबर का क्या होगा बताइए अरे साउथ पोता है तो वो दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला एमुंडसन लिखो लिखो भाई विश्व का पहला धर्म छोड़ो लिखो विश्व का पहला धर्म विश्व लिखो भाई छोड़े हो क्यों लिखो लिखो विश्व का पहला धर्म फर्स्ट वर्ल्ड फर्स्ट रिलीजन सनातन लिखो सनातन हिंदी वाले सनातन इंग्लिश वाले सनातन ही लिखो सनातन ही होता है सनातन धर्म ठीक है अब ये सब तो नहीं आएगा महिला से नहीं आएगा अब देखो पांचवा नंबर लिखो पुस्तक मुद्रित हम इंग्लिश भी कर देते हैं लिखो पुस्तक मुद्रित करने वाला पहला देश बताओ कौन है चीन चीन सर ये पुस्तक मुद्रित का मतलब क्या हुआ प्रिंटिंग बुक प्रिंटिंग सर इंग्लिश भी करते थे बुक प्रिंटिंग अभी हिंदी बोलिए अब इंग्लिश इतना सिंपल तो इंग्लिश है इसमें समझने में क्या दिक्कत है वही तो हम बोल रहे हैं पुस्तक अब देखो सर एक बात बोले सर हाँ हिंदी में बहुत लेट होता सर लिखने में सर लिखो ना लिख देते हैं कागजी मुद्रा जारी करने वाला प्रथम देश चीन कागजी मुद्रा मतलब कि मुद्रा मतलब क्या होता है पैसा पैसा मनी मनी आइए कागज वाला पेपर मनी ऐसे करके लिख दो रुपया अब आगे लिखो हिंदी में आधा तुम लोग पूरा पूरा लिखना आधा आधा लिख दे रहे हैं प्रिंट पूरा लिखें सर पेपर करेंसी इसको कहते हैं पेपर करेंसी पेपर करेंसी मुद्रा करेंसी पेपर करेंसी चीन बुक प्रिंटिंग सही है ठीक है अब आ जाओ सिविल से मुद्रा शुरू करने वाला पहला देश हाँ अब उतना एक एक वर्ड आपको हमको बताना पड़ रहा है अब सिविल सेवा प्रतियोगिता शुरू करने वाला प्रथम देश सिविल सेवा प्रतियोगिता सिविल सर्विसेज कॉम्पिटिशन लिखो सिविल सर्विसेज कंपटीशन हिंदी वाले लिखो सिविल सर्विसेज की तैयारी सिविल सर्विसेज प्रदान करने वाला हाँ लिखो सिविल सेवा प्रतियोगिता शुरू करने वाला प्रथम देश चीन सिविल सेवा प्रतियोगिता शुरू करने वाला देश चीन लिख लिए सिविल सेवा प्रतियोगिता शुरू करने वाला प्रथम देश चीन सर अब लिखो अब आ जाओ अगला लिखो थोड़ा सा नीचे करिए तो सर थोड़ा सा क्या किसका हवा चल रहा है इतना पंखा चलाए हुए है माइक के पास कौन चल रहा है तू भी चला भाई बंद कर दो चलो हो गया ऐसा सर ये मुल्ला भाई माइक ऑफ कर दो भाई संयुक्त यूएसए का प्रथम फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ लिखो फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए संयुक्त राज्य अमेरिका का प्रथम संयुक्त राज्य अमेरिका लिखा हुआ यूएसए का प्रथम राष्ट्रपति संयुक्त राज्य अमेरिका का प्रथम राष्ट्रपति हाँ आप लिखवा दे रहे हैं जॉर्ज वाशिंगटन हाँ जॉर्ज वाशिंगटन डीसी वाशिंगटन अरे वो राजधानी है उसका वाशिंगटन डीसी राजधानी है वाशिंगटन जॉर्ज वाशिंगटन विवेकानंद जी बहुत ब्रिटेन का ये सब तो नहीं पूछेगा फुटबॉल वर्ल्ड कप जीतने वाला प्रथम देश फर्स्ट कंट्री टू बोलते हैं सर हाँ फुटबॉल फीफा वर्ल्ड कप हाँ सर राष्ट्रपति कौन था अमेरिका का जॉर्ज वाशिंगटन फुटबॉल विश्व कप
जीतने वाला देश, फर्स्ट कंट्री टू विन वर्ल्ड कप फुटबॉल, जीतने वाला देश, उरुग्वे। उरुग्वे अंग्रेजी में इसको लिख दो, उरुग्वे कैसे अंग्रेजी में लिखोगे, उरुग्वे को उरुग्वे ही लिखा है। 10 तुम लोग कुछ ज्यादा लिखवा रहे हैं। संविधान निर्माण करने वाला प्रथम देश, जब देखोगे ना, जब देखोगे ना दूसरी बार इसको, जब लिखे हो पहली बार दूसरी बार देखोगे ना तो समझ में आ जाएगा कि ये सब तो लिखे हैं। ऐसे पीडीएफ ना निकल, फ़ोन पे हम पढ़, बुक क्यों होता है, सब कुछ तो है पीडीएफ सब कुछ, पर बुक क्यों आदमी लेता है कि अंडरलाइन कर करके लिख कर पढ़ने में मज़ा आता है। नहीं तो एनसीईआरटी का बुक मिलता है तो 3000 लगता है, 6 से लेकर 12 तक के पक्का 3000। ऐसे फ्री में भी तो साइट पर मिल रहा है तो क्यों नहीं वहाँ से पढ़ते हो। संविधान निर्माण करने वाला प्रथम देश, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। अगला लिखो, पाकिस्तान के प्रथम गवर्नर जनरल, फर्स्ट गवर्नर जनरल, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के प्रथम गवर्नर जनरल जिन्ना साहब, मोहम्मद अली जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना। सर इसी कारण पाकिस्तान अलग हुआ था ना सर? भाई देखो अलग तो हुआ इसी के कारण हुआ, ये भी एक है, पर ग्रीप जाओगे तो समझ में आएगा कि अलग होना हो गया था, जरूरी हो गया था। जैसे कि हमारे पापा और अंकल दोनों अलग होते हैं, या मेरे दादाजी दो भाई हैं तो वो भी अलग हुए हैं, तो वो ऐसा हालात हो गया उस समय। ये बहुत पहले से हालात है, ऐसा नहीं कि 1947 में अलग हुआ, ऐसा नहीं। ये कहानी जो चलने लगा ना 1905 से ही, जब 1905 से ही नरम दल गरम दल, नरम दल गरम दल ऐसा होने लगा, बीच में मतभेद होने लगा कि मुस्लिम हिंदू बहुत ज्यादा होने लगा था इंडिया में। और फिर सर एक बार एक भी तो हो गए थे फर्स्ट गवर्नर, चलो वो सब बात है, इसके अंदर जाओगे तो बहुत अंदर तक चले जाओगे और जानने की ज्यादा इच्छा होती है, छोड़ दो। चीन पहुंचने वाला प्रथम यूरोपियन, चीन पहुंचने वाला। अच्छा भाई बता दो कि अगला क्लास से हम पीडीएफ को एक्सप्लेन कर दें, उसे कर दे कि लिखोगे मेरे साथ? नहीं इसी तरह लिखा है सर। नहीं सर लिखेंगे, ऐसे ही लिखेंगे। लिखोगे ना भाई सर, आज सिर्फ जीके का क्लास चलेगा, आज संडे है ना सर, आपका छुट्टी रहता है ना। चीन पहुंचने वाला प्रथम यूरोपियन मार्को पोलो, आज आज छुट्टी मनाइए ना, पर अब छुट्टी नहीं मिलेगा, अब एग्जाम का डेट आ गया ना 18 जून। बारह, अच्छा इसमें कौन है जो बोले थे कि सर प्रूफ दीजिए तो कि आप क्लास देते हैं कि नहीं देते हैं, वो है अभी क्लास में? वो एक लड़की थी सर। क्या हुआ? वायुयान, कि क्या प्रूफ है कि आप क्लास देते हैं? वायुयान से पहले ऐसा अभी सर, उड़ान वाला जो आप करते थे ना सर, वही होगा जो आप एक और बता रहे थे ग्रुप में कि वाला व्यक्ति। वायुयान मतलब एरोप्लेन, उड़ान मतलब फ्लाई, और व्यक्ति मतलब पर्सन। राइट बंधु, राइट ब्रदर्स, राइट राइट ब्रदर्स पहला व्यक्ति ना सर। हाँ 14, चंद्रमा पर मानव भेजने वाला प्रथम देश, ये सब तो आसान है। देखो भाई हम लोग सब तो बिहारी बिहारी हैं तो हिंदी तो समझ सकते हो कि चंद्रमा मतलब चांद मामा को हम बोले हैं। चंद्रमा पर मानव भेजने वाला प्रथम देश, ऊपर वाला सर, यूएसए, मार्को, ये अपोलो, राइट ब्रदर्स, राइट ब्रदर्स। सर ये 13 एक बार इंग्लिश में बोलिएगा, एयरक्राफ्ट से क्या लिखा हुआ है? अभी हिंदी हिंदी कौन कर रहा था सर? अभी ये इंग्लिश में लिखवा रहे थे तो हिंदी का प्रॉब्लम होता है, हिंदी से इंग्लिश। हाँ सर अभी हिंदी हिंदी कौन कर रहा था?
एक तो हिंदी निकले फर्स्ट मैन टू फ्लाई फर्स्ट मैन टू फ्लाई एंड कर लो ए सुनो ना यार फर्स्ट मैन टू फ्लाई एरोप्लेन फर्स्ट मैन टू फ्लाई एरोप्लेन फर्स्ट और सर ये एक और है फर्स्ट नंबर क्वेश्चन ठीक है फर्स्ट कंट्री टू सेंड ह्यूमन ऑन मून इसी से ट्रांसलेशन है देख रहे हो चंद्रमा पर मानव भेजा प्रथम फर्स्ट कंट्री CUNTRY कंट्री टू एडॉप्ट कंस्टिट्यूएंट यही होता है संविधान का हिंदी यही होता है ना इंग्लिश यस सर हाँ कंस्टिट्यूशन चलो हो गया अब नहीं दिक्कत है अब कोई हिंदी इंग्लिश आओ किसी को चलो 15 अब बताओ भाई हम पीडीएफ बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे हिंदी इतना इंग्लिश कैसे टाइप करेंगे अब टाइप करने वाला जानते हो एक पेज टाइप करने वाला 30 रुपया लेता है 30 रुपया हम टाइप करवाने का कोशिश ये नहीं है कि नहीं की है हम करवाए पर 30 रुपया तो उतना तुम लोग दिए भी नहीं हो नहीं सर इससे ज्यादा ही लेता है सर हम मेरे अंकल भी टाइप करवाते हैं क्या इससे ज्यादा लेता सर कहीं कहीं 35-40 भी लेता है सर हमारे यहाँ ओलंपिक खेलों का आयोजन करने वाला देश प्रथम देश यूनान हाँ यूनान इसका अंग्रेजी लिखना फर्स्ट कंट्री टू होस्ट द मॉडर्न ओलंपिक गेम्स फर्स्ट कंट्री टू होस्ट द मॉडर्न ओलंपिक गेम्स ठीक है हो गया यस सर कॉन्स्टिट्यूशन फर्स्ट कंट्री तुम्हें कॉन्स्टिट्यूशन हो गया उरुग्वे हो गया इधर हो गया मोहम्मद अली यानी अब ठीक है ना हम हिंदी में भी इंग्लिश वाला भी है तो इंग्लिश में भी चलो लिखवाएंगे टाइम लगेगा चलो सोलह लिखो रसिया लिखो कृत्रिम उपग्रह को अंतरिक्ष में भेजने वाला प्रथम देश कौन सा बताओ रसिया रूस ये होता है आर्टिफिशियल सैटेलाइट मैनमेड फर्स्ट कंट्री टू सेंड मैनमेड सैटेलाइट इन इनवर्स रसिया फर्स्ट कंट्री टू सेंड मैन मेड सैटेलाइट पूछ देगा तो सर क्या रूस की उस एजेंसी का नाम पूछ देगा जिसने सैटेलाइट को भेजा सर स्पार्को है ना इसका पर नहीं पूछेगा सर कॉमन एंट्रेंस एग्जाम है इतना आप BHU क्लियर कर देंगे रहिए तो साथ में आप 8 बजे तक कितना लड़का भी है 36 है पढ़ रहा है सब है पढ़े वाला उसकी 1.5 घंटा बैठ के पढ़ रहा है चलो प्रथम नगर फर्स्ट सिटी प्रथम नगर जिस पर परमाणु बम गिरा फर्स्ट सिटी टू ड्रॉप एटम बम हिरोशिमा नागासाकी 6 अगस्त 1945 सेकेंड वर्ल्ड वॉर हिरोशिमा जापान में है अमेरिका गिराया था
लिटिल बॉय, लिटिल बॉय नाम क्या था? लिटिल बॉय, लिटिल बॉय फैटमैन। 18 लिखो। 15 और 20 सर। 6 अगस्त 1945। हाँ 6 अगस्त 1945। नागासाकी 9 अगस्त। नागासाकी 9 अगस्त। सर्वाधिक पशुओं का देश, सर्वाधिक पशुओं का देश भारत। भारत विच कंट्री हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ एनिमल्स? 19 नंबर लिखो। विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय, फर्स्ट वर्ल्ड, फर्स्ट विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय, वर्ल्ड फर्स्ट यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी तक्षशिला, तक्षशिला मात विद्यालय, तक्षशिला विश्वविद्यालय। ये कहाँ पे था सर ये तक्षशिला? सर पाकिस्तान में, अभी पाकिस्तान में ना। हाँ अभी बिल्कुल बिल्कुल पाकिस्तान में, वही तो सर। 20वां भारत में था, बंटवारे के बाद पाकिस्तान में चला। अच्छा हाँ हाँ बंटवारे के बाद, यार हम प्रेजेंट टाइम की बात कर रहे हैं। चंद्रमा पर उतरने वाला प्रथम व्यक्ति, फर्स्ट मैन टू लैंडेड ऑन मून, फर्स्ट मैन लैंडेड चंद्रमा पर। तुम लोग को ज्यादा लिखा रहे हैं, सोचो। उतरने वाला प्रथम व्यक्ति, 8 बजे तक रहोगे ना? यस सर, आप रात 9 जितना बजे तक बोलिएगा उतना बजे तक। सर आप 12 बजे तक बोलिए रहेंगे, 1 बजे तक रहेंगे। सर खाना नहीं बनाएंगे, ये ज्यादा हो गया। नील आर्मस्ट्रांग कहां के थे? यूएसए। चलो आगे ऊपर करें। यस सर। 1 मिनट सर, थोड़ा सा लास्ट वाला सर। अब लिखो 21 नंबर। जब हम पीडीएफ से पढ़ाएंगे ना तो 20-21 क्वेश्चन करवाएंगे, छोड़ देंगे। अब उतना हम नहीं कर पाएंगे, पर इससे पढ़ाते हैं तो लगता है कि चलो लड़का लिख रहा है तो इसको और लिखवा देते हैं। तुम्हारे बड़े भाई है ना, तुम्हारे लिए अच्छा ही सोचेंगे। बिल्कुल सर। 21 बड़े भैया हैं, बड़का भैया। सर इसका आंसर क्या होगा? नील आर्मस्ट्रांग को बताए तो अंतरिक्ष में पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति, अंतरिक्ष में फर्स्ट मैन टू रीच यूनिवर्स। यूनिवर्स होता है? यस सर अंतरिक्ष का यूनिवर्स। यस स्पेस होता है ना यार, सब यूनिवर्स यूनिवर्स स्पेस होता है। अंतरिक्ष यूनिवर्स, यूनिवर्स का मतलब आकाश गंगा तो नहीं होता सर, ब्रह्मांड होता है। ब्रह्मांड होता है जब उस समय से, वही तो हम यूनिवर्स का मतलब संसार होता है सर। हाँ यूनिवर्स स्पेस होता है यार, कंफ्यूज। यूनिवर्स यूनिवर्स हम उस टाइम से बोल रहे हैं। अंतरिक्ष में पहुंचने वाला पहला व्यक्ति, प्रथम व्यक्ति। टोकते भी नहीं हो कि सर ऐसे बता रहे हैं, बताइए आप ही गलत बता रहे हैं। मेजर यूरी गागरिन इंडियन है? नहीं नहीं, आउट ऑफ कंट्री, आउट ऑफ कंट्री। यूएस रूस है। ओ म्यूरी यूरी उधर रूस का है, रशिया का, रशिया का। उस समय यही तो हुआ था शीत युद्ध, जो आप 12 में पढ़े थे ना, आर्ट्स वाले। Yes. हम लोग तो साइंस के स्टूडेंट थे सर, तो नहीं थे। अंतरिक्ष में भेजा जाना, फर्स्ट सेटल गो इनटू द स्पेस, स्पेस वही तो स्पेस में यूनिवर्स यूनिवर्स चिल्ला रहे थे, बताओ यार। लिखो अंतरिक्ष में भेजा जाने वाला प्रथम अंतरिक्ष शटल, क्या नाम है बताओ? फर्स्ट स्पेस शटल गो इनटू द स्पेस, कोलंबिया।
शटल का मतलब क्या हो सर? सेटल मतलब जिसमें आदमी जाता है, नहीं सैटेलाइट जिसमें आदमी जाता है, सैटेलाइट जिसमें आदमी जाता है। जैसे कि अंतरिक्ष में जाने के लिए तो रॉकेट होता है ना, रॉकेट के बगल में जो वो लगा हुआ रहता है एरोप्लेन जैसा, उसी को सेटल कहते हैं, वही लोड कर आता है। जो 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 अंतरिक्ष में भेजा जाने वाला प्रथम अंतरिक्ष शटल कोलंबिया, स्पेस में जाते ही अलग हो जाता है ना सर उससे? हाँ, अलग हो जाता है। अब लिखो, किसी मुस्लिम देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री, किसी मुस्लिम देश की, सब चुप हो गया है, सब हो ना? किसी मुस्लिम देश की प्रथम महिला क्या प्रधानमंत्री? बेनजीर भुट्टो। फर्स्ट इंडियन प्राइम मिनिस्टर ऑफ ए मुस्लिम कंट्री, फर्स्ट इंडियन प्राइम मिनिस्टर ऑफ ए मुस्लिम कंट्री, बेनजीर भुट्टो। बेनजीर भुट्टो किस कंट्री का, ये भी बता दीजिए सर। क्या? पाकिस्तान। किस कंट्री का? अपना पड़ोसी का है, नल्ला पाकिस्तान। पाकिस्तान का सर आप बोले फर्स्ट इंडियन, इंडियन कहाँ बोले? फर्स्ट मुस्लिम बोले, इंडियन बोले क्या? नहीं सर, मुस्लिम बोले। एक बार रिपीट कर दीजिएगा सर। फर्स्ट फर्स्ट मुस्लिम कंट्री बोले सर। फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ मुस्लिम कंट्री बेनजीर भुट्टो फर्स्ट। उसके साथ लिखो, अगला लिखो होगा सर क्या? फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर ऑफ। हाँ 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 हाँ, तो आप उतना तो हो होशियार कि आप लिख सकते हो महिला फीमेल, इतना तो लिख सकते हो। अब लिखो, अंतरिक्ष में, अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला, अंतरिक्ष में जाने वाली फर्स्ट फीमेल टू गो इन टू स्पेस, अंतरिक्ष में जाने वाली कल्पना चावला भारतीय थी ना वो? तो भारतीय थी। हाँ, वेलेंटिना तेरेस्कोवा। ये कहाँ के थी? रूस के। रूस के। ये तो सर और नहीं, यूएसए के ना होगा। वेलेंटिना तेरेस्कोवा, वेलेंटिना तेरेस्कोवा रूस। करें जूम, कौन आ रहा है पढ़ने के लिए इस टाइम? ये न्यू एडमिशन है, आप इतना लेट क्यों हो गए क्लास में? जो भी आए हैं सर, क्या नाम लिखे हैं 24 में आंसर? वेलेंटिना तेरेस्कोवा, रूस का। सर प्रथम होगी ना सर? क्या प्रथम ही है? प्रथम है। अब आओ, एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला, माउंट एवरेस्ट। हाँ, जापान की है ना सर वो? हाँ, रूस की है? नहीं नहीं, जापान की है। अरे वो एवरेस्ट पे चढ़ने वाली ना, इस पे अंतरिक्ष में, हाँ, एवरेस्ट पे चढ़ने वाली फर्स्ट फीमेल टू क्लाइम ऑन एवरेस्ट, एवरेस्ट पे चढ़ने वाली प्रथम महिला। सब खाना खा के तैयार है ना, बैठा हुआ है ना, कोई दिक्कत नहीं है ना? भागना नहीं सर, खाना खा लिए, नहीं तो अभी दो घंटा भागोगे सपने से भाग जाओगे। पटना यूनिवर्सिटी में पढ़ना बहुत बड़ी उपलब्धि है, सोच सकते हो। देखो शांति से एकदम 5-10 बल्ब जलाते हैं, एकदम कूलर चलाते हैं हॉस्टल में। रूम रेंट वाला 4 भी देगा सुबह शाम, उसके साथ बोला अरे ये का ये भरा वाला बल्ब क्यों, छोटा वाला बल्ब जलाओ 9 वाला, यहाँ हम सर हॉस्टल। सुनिए ना सर, सर 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 हाँ बोलो ना। हेलो सर, जूम को ते भाई कहाँ का है? अरे बोलने दो भाई, जापान। अगला कर कर सर, हाँ। सुने पटना यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में सर रैगिंग वगैरह करता है सीनियर लोग सर? जुकोते भाई है। हाँ जुकोते भाई, हम तो रह रहे हैं भाई, हम तो बताते हैं, हम दिखाए भी अपना। भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम, भारत पर आक्रमण
आक्रमण सिकंदर होगा ना, हाँ करने वाला 326 ईसा वर्ष पूर्व में किया था प्रथम यूरोपवासी, किस देश से था सर? यूरोपवासी सिकंदर के पिता का नाम या फिलिप था, सिकंदर न तो उधर का था यूरोप साइड का था। हाँ रुको ना बता देते एक मिनट, यूनानी था। मकदूनिया, मकदूनिया कहाँ है? मकदूनिया, मकदूनिया का था यूनान। प्रथम यूरोपवासी सिकंदर, सिकंदर सिकंदर सिकंदर, अब देखो एक मिनट एक मिनट एक मिनट, इसको देख लेते हैं। सिकंदर ये नहीं है, चलो आगे 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 और आगे चले, आगे बढ़े थोड़ा सा इम्पोर्टेंट। कितना 26 ही हुआ है ना? यस सर, यस सर, 26। हाँ तो अभी और आगे जाना ही है। अब तो नहीं समझ, हाँ नहीं छोड़ो, ये कहानी खत्म हो गया, 26 ही है, ठीक है, ये 26 ही है। इसका नाम बताइएगा ना? सिकंदर। 25 का सर आंसर बताइएगा तो फिर से। जुंको तेवई, अगला टॉपिक लिखो तेवई, नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक लिखो। अब देखते हैं कितने लोग हो अभी, 39 अभी हो ना। ए यार कौन है यार? अरे बहुत नॉइज आ रहा है कृष्णा, माइक बंद करो। एमडी फूल यात्रा से निकलो भाई, नहीं तो माइक ऑफ कर दो तुम। लिखो सर, 27 में 27 नहीं लिखा है, 26 तक ही लिखा। लिखो विश्व का सर, ये जिनको तिवाई क्या है सर? वो जापान की थी एवरेस्ट पे चढ़ने वाली महिला। विश्व का सर्वाधिक बड़ा छोटा, अभी भी लोग आ रहे हैं, क्या करने आ रहा है लोग? जिनको तिवाई सर बैकअप पर महिला चढ़ने वाली थी। हाँ बैकअप ठीक है, हम लोग का नहीं छूटा हुआ, हमको लगा है कि सर क्लास हम लोग का करा रहे। ठीक है ठीक है, क्या साइंस वाले हैं आप? नहीं सर कॉमर्स से हैं हम, तो हम शुरू से क्लास कर रहे हैं, तो हम मेरा नहीं छूटा हुआ है। हाँ, कोई दिक्कत नहीं, आप निकल जा सकते। विश्व का सर्वाधिक बड़ा छोटा लंबा एवं ऊंचा, फिर संडे को बैकअप देना पड़ेगा, फिर संडे में एक दिन में सर सर्वाधिक का मतलब मैक्सिमम, सबसे ऊंचा, अधिक, हाईएस्ट, बिगेस्ट, बिगेस्ट, हाईएस्ट, सुपरलेटिव्स, ऊंचा बड़ा, स्मॉलेस्ट, सर्वाधिक का मैक्सिमम होगा, उसी को सबका साइन ऑफ नेम है। चलो तब इसमें आ जाओ, अब इसको हिंदी में लिखा है या अंग्रेजी में लिखवाया? चलो हिंदी में लिखवाते हैं। सर इंग्लिश में ज्यादा ठीक रहेगा, हिंदी में बहुत प्रॉब्लम होता है सर। नहीं सर इंग्लिश तुम कर रहे हो सबका, सबसे बड़ा आप लोग लिखना और द लार्जेस्ट, इंग्लिश द लार्जेस्ट, टाइम काफी लग जाता है सर। द लार्जेस्ट देखो हम बस वर्ड लिखेंगे, सबसे उसके आगे हिंदी वाले सबसे बड़ा लगा देना और इंग्लिश वाले द लार्जेस्ट लगा देना, ठीक है? यस। बाकी वन नंबर से लिखते जाओ, कंटिनेंट मतलब महाद्वीप, महाद्वीप, कॉन्टिनेंट, कॉन्टिनेंट, अब नहीं प्रॉब्लम होगा, बिल्कुल नहीं होगा प्रॉब्लम, देखना। देखो एशिया, एशिया, एशिया आपको लगाना है, ये सबसे बड़ा महाद्वीप, द लार्जेस्ट कंटिनेंट, ऐसे करके। अब ये मत, अब छोड़ मत देना यार, छोड़ भी देखो तो। सर नहीं समझ रहा सर, वैसे किचन लिखना सब, देखो लिखना सबसे बड़ा, सबसे बड़ा महाद्वीप, ऐसे महाद्वीप, तो ऐसे लिखोगे एशिया है, ठीक है? ये क्वेश्चन इसका आंसर हो गया। इंग्लिश द लार्जेस्ट, द लार्जेस्ट इंडिया, सर इंडिया में सबसे बड़ा महाद्वीप है ना, कंटिनेंट एशिया। हिंदी वाले ऐसे लिखो, ये भाई, ए भाई सुनो ना, हिंदी वाले ऐसे लिखोगे, इंग्लिश वाले ऐसे लिखोगे, हम क्या लिखेंगे, हम जो ये इम्पोर्टेंट है वो लिखते जाएंगे, इसके आगे दो वर्ड आपको लिखना है, ठीक है? जैसे ओके सर, ठीक है। फिर अगला लिखो सबसे छोटा, द स्मॉलेस्ट, सबसे छोटा महाद्वीप मतलब कॉन्टिनेंट,
लिखो कौन है ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया। अब समझ गए कैसे लिखना है, सबसे yes, सबसे छोटा ऐसे लिखना है, सबसे छोटा महाद्वीप, सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। अब वो नहीं लिखेंगे, सबसे बड़ा सबसे छोटा जो रहेगा हम बता देंगे, बोलते जाएंगे। सबसे बड़ा महासागर नीचे करिए सर, स्क्रीनशॉट लेने दीजिए। लिखो सबसे बड़ा महा, सबसे बड़ा तुम लोग लिखना महासागर, इंग्लिश में लिखो ओशियन, लिखो प्रशांत, प्रशांत महासागर, पैसिफिक ओशियन, पैसिफिक, पैसिफिक ओशियन, पैसिफिक ओशियन, कभी निकाल देते हैं पैसिफिक। अब लिखो सबसे क्या सर, महासागर क्या प्रशांत महासागर बोल रहे हैं? हाँ सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर, सबसे गहरा महासागर, सबसे गहरा महासागर, डीपेस्ट ओशियन, डीपेस्ट ओशियन, सबसे गहरा वर्ल्ड डीपेस्ट ओशियन, ये भी पैसिफिक होगा आपका, प्रशांत सबसे गहरा महासागर प्रशांत महासागर, ठीक है सर। सबसे स्मॉलेस्ट ओशन कौन सा होगा? देखते हैं वो आ जाएगा आगे। सबसे स्मॉलेस्ट ओशियन आपका ये होना चाहिए, ये हिंद, 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 इंडियन ओशियन, हिंद, एक बार कंफर्म हो जाना कौन सा है, पर एक बार इसमें एक चीज देख रहे हैं, आर्कटिक होगा, आर्कटिक है, चलो नहीं चलो आगे बढ़ो, नहीं दिया हुआ है। अब अगला लिखो सबसे बड़ा नगर, सबसे बिगेस्ट टाउन या सिटी कह सकते हो, सबसे बड़ा नगर, सबसे बड़ा नगर लिख भी देते हैं, सबसे बड़ा नगर, सबसे बड़ा नगर लिखो लंदन, कहाँ है आपका लंदन? यूके में, यूके में, लंदन ग्रेट ब्रिटेन है। अरे भाई यहाँ इंग्लैंड में कहाँ से चलो, लंदन में से निकली सर, न्यूयॉर्क है सर, सबसे न्यूयॉर्क है सर, सबसे बड़ा, सबसे बड़ा, सबसे बड़ा देश चाइना, फल की दृष्टि से है अमेरिका, बिगेस्ट कंट्री, बिगेस्ट कंट्री, बिगेस्ट कंट्री, ये सब पॉपुलेशन या पॉपुलेशन से रहता तब चाइना होता, बाई एरिया, जनसंख्या से रहता तब चाइना, बाहरी एरिया तब, सबसे रूस ना सर, सबसे स्मॉलेस्ट सर, सर जी सर, रूस सर जी, तो वो टाउन वाले में भी बता दीजिए ना। हेलो हाँ भैया, हॉस्टल में एक क्लास ले रही है तनी, ठीक है। हेलो हेलो यस सर, चलो दिखाई दे रहा है? नहीं हाँ, सर डिस्प्ले आपका शो नहीं कर रहा है, डिस्प्ले शो नहीं कर रहा है, सबसे बड़ा देश सर, सर सुनिए ना एक मिनट सर, सर बाय एरिया, टाउन वाले में क्या लिखना है सर, बाय एरिया की बाय पॉपुलेशन क्या इसका, टाउन वाले में हाँ सर, बाय एरिया, बाय एरिया, स्मॉलेस्ट देश लिखवा देने, स्मॉलेस्ट कंट्री, कंट्री सबसे छोटा, स्मॉलेस्ट कंट्री लिखो, वेटिकन सिटी, वेटिकन सिटी, वेटिकन सिटी, बाई एरिया क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि, बाई एरिया, बाई एरिया, वेटिकन सिटी तो उसका वो कैपिटल ना सर, नहीं वेटिकन सिटी, ये वेटिकन सिटी सबसे छोटा देश भी है, हाँ इसका राजधानी भी वेटिकन सिटी है। मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री सर, किसकी दृष्टि से बता रहे हैं सबसे छोटा देश क्या, क्षेत्रफल के, बाई एरिया लिखे तो, बाई एरिया,
बाई एरिया, बाई एरिया क्षेत्रफल की दृष्टि से लिखो सर्वाधिक जनसंख्या का देश, मोस्ट पॉपुलेशन चाइना, चाइना सर्वाधिक जनसंख्या का देश चाइना, चीन मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री चीन। अब लिखो न्यूनतम जनसंख्या घनत्व, मिनिमम पॉपुलेशन डेंसिटी, मिनिमम अंटार्कटिका, अंटार्कटिका लिखो, मिनिमम अटलांटिका ना होगा सर, अंटार्कटिका, अंटार्कटिका मिनिमम सर क्या बोले सर, न्यूनतम जनसंख्या, न्यूनतम जनसंख्या घनत्व, मिनिमम पॉपुलेशन डेंसिटी, डेंसिटी अंटार्कटिका, 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 अंटार्कटिका। क्या थोड़ा सा, थोड़ा सा नीचे कीजिए ना, स्क्रीनशॉट लेंगे अभी, अंटार्कटिका। अब लिखो अगला, लिखो हो गया, सर्वाधिक जनसंख्या, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला मैक्सिमम पॉपुलेशन डेंसिटी, क्या बोले सर, सर्वाधिक, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश, मैक्सिमम पॉपुलेशन डेंसिटी कंट्री, सिंगापुर ना, ये आपका हो जाएगा सिंगापुर, 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 सिंगापुर। इसमें कितना हुआ, 10। इसमें, इसमें लिखवाएंगे जानते हो कितना, 50। कितना सर, सर एक सर सुनिए ना, हाँ बोलो, 7:30 बज जाएगा सर, 50। सर ये जिस सबसे कम पॉपुलेशन वाला कंट्री कौन सा है सर, सबसे बताए तो अभी, अंटार्कटिका नहीं कर, हिंदी, हिंदी में अंटार्कटिका डेंसिटी के अकॉर्डिंग ना सर लिखा हुआ, देखिए ना सर डेंसिटी, हाँ हाँ हाँ, देश वेटिकन सिटी क्षेत्रफल की दृष्टि से, वेटिकन सिटी और पॉपुलेशन के सर डेंसिटी लिखा हुआ है ना सर, क्या वहाँ आपने डेंसिटी के अकॉर्डिंग लिखा ना, मिनिमम पॉपुलेशन डेंसिटी, हाँ तो ये अंटार्कटिका का है, उसका भी मतलब मिनिमम पॉपुलेशन वाला कंट्री भी अंटार्कटिका ही होगा, हाँ ऐसे सर्च कर लेना, इसके बारे में कंफर्म नहीं है, इसमें सर्च कर लेना, वो नहीं लिख पाए हम, ठीक है। अब लिखो सिंगापुर लिखवा दिए, मैक्सिमम पॉपुलेशन डेंसिटी कंट्री सिंगापुर, फिर लिखो सर्वाधिक आबादी वाला नगर, तो टोक्यो सर, हाईएस्ट पॉपुलेटेड कंट्री, हाईएस्ट पॉपुलेटेड कंट्री, सर्वाधिक कंट्री, हाँ आबादी वाला नगर, 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 नगर ना सर, टोक्यो का सर, टोक्यो, टोक्यो, टोक्यो कहाँ, टोक्यो जापान की कैपिटल, जापान। अब लिखो सबसे कम आबादी वाला नगर, मिनिमम, सबसे मिनिमम पॉपुलेटेड सिटी, सबसे कम आबादी, वेटिकन सिटी, हाँ वेटिकन सिटी, आबादी वाला नगर वेटिकन सिटी, वेटिकन सिटी तो बोले कंट्री अभी सर, अरे सर देश में बोले सर, वही तो, अरे सर वेटिकन सिटी देश है, इसकी राजधानी वेटिकन सिटी है सर, का बात वही तो सर, वेटिकन देश, उसकी राजधानी वेटिकन सिटी है, हाँ पहले आप वेटिकन सिटी लिखवा दिया सर, अरे सर क्षेत्रफल की दृष्टि से लिखवाए थे ना सर, सबसे छोटा देश बाई एरिया, बाई पॉपुलेशन, हम लिखवाई पॉपुलेशन के थ्रू, बाई पॉपुलेशन हम लिखवा रहे हैं, कंफ्यूज कर दिया यार तुम लोग, बाई ये बाई पॉपुलेशन है, आबादी मतलब पॉपुलेशन, वहाँ क्षेत्रफल की दृष्टि से ये वाला लिखवाए थे, यहाँ पे देखो बाई एरिया लिखवाए थे ना, यहाँ पे देखो बाई एरिया, बाई एरिया लिखा हुआ है बड़े बड़े शब्दों में। अब बढ़े आगे, यस सर, ठीक है सर,
अभी तो बहुत दूर जाना है सर, अभी एक संडे नहीं लगेगा, अब 4-5 संडे लगेगा, अब रहिए लगता है 9-8 बजे तक तो रहना पड़ेगा आप लोग को। स्लोली स्लोली पहुंच ही जाएंगे सर। पीछे से आए आप लोग, रोज वीडियो देखते थे पर सोचते थे कि नहीं सर, आज आज ही अटेंड किए हैं हम क्लास फर्स्ट डे, और आज ही 2:30-3 बजे पेमेंट किए थे, और आज ही आप हमको ग्रुप मेट किए सर। जिस दिन 28 को पहली बार आपका वीडियो देखते थे और फिर तभी पेमेंट किया और एडमिट हुए सर। हाँ सर, तब आज सबसे न्यू स्टूडेंट है सर, सबसे लंबी सीमा वाला देश रशिया सर, चिली, कनाडा, लॉन्गेस्ट बॉर्डर। चलो अब हाईएस्ट देखो, तो ये हाईएस्ट बिगेस्ट हिंदी में भी कहाँ कुछ लिखा हुआ है ज्यादा, बिगेस्ट, फर्स्टेस्ट, लार्जेस्ट, स्मॉलेस्ट, लॉन्गेस्ट, बस इतना ही तो ऐसे ही लिखा हुआ है, लॉन्गेस्ट बॉर्डर कनाडा का। चलो अब लिखो कितना हुआ इसमें, 14 होगा। सर्वाधिक सीमाओं वाला देश, चीन होगा ना सर। सर्वाधिक सीमाओं वाला देश, सर्वाधिक सीमाओं वाला देश चीन। अब ये समझे ये क्या लिखवा है, सर्वाधिक सीमाओं मतलब देश कहने की, भारत की सीमा पाकिस्तान से लगती है, नेपाल से लगती है, भूटान से लगती है, चीन से लगती है, कौन ऐसा कंट्री है जिसका सीमा जो है अधिक कंट्री से लगता है? हाँ, तो चीन, तो चीन मैक्सिमम कंट्री से, हाँ मैक्सिमम कंट्री के 14 देशों के साथ, 14 कंट्री के साथ। किन्हीं को प्रॉब्लम हो ना तो बेझिझक बोलो, गूगल मीट पे पढ़ रहे हो तुरंत माइक ऑन कर सकते हो, इसीलिए तो इस पे पढ़ाते हैं, पैसा भी बेचारा नहीं लेता है, सोशल सर्विस कर रहा सर, सुंदर पिचाई का है ना सर। अब सबसे बड़ा डेल्टा, सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा, सुंदरबन डेल्टा, सुंदरबन, सुंदरबन कहाँ आपका है? बंगाल, वेस्ट बंगाल, भारत, भारत। अभी वर्ल्ड पढ़ रहे हैं ना, तो वर्ल्ड में आपकी पहचान इंडिया से होती है, इंडिया में आपकी पहचान बिहार से होती है, अब बिहार में आपकी पहचान आपके जिला से होती है, पटना से। हाँ, जिला में, गांव में होता है प्रखंड से, उसके बाद आप उसमें भी टोला से, उसमें भी वार्ड से। सबसे लंबी नदी, नील नदी, तो नील नदी से जाएंगे। लॉन्गेस्ट रिवर, अमेज़न नदी क्या है तो सर, चौड़ी नदी में आती है, बहाव की दृष्टि से सबसे बड़ी, बहाव, बहाव, बहाव की दृष्टि से। लिखो ना, अगला लिखवा देते हैं, आएगा सबसे बड़ी नदी, सबसे बड़ी नदी अमेज़न रिवर, नील अमेज़न, बिगेस्ट रिवर लिखो, बिगेस्ट रिवर अमेज़न, ये यूएसए में है ना सर, अमेज़न नील नदी कहाँ है सर, ये कनाडा में है, मतलब दक्षिण अमेरिका में है ये आपका नील नदी, बोले सर यूएसए हुआ सर अमेरिका, अरे ये अलग देश ना, दक्षिण अफ्रीका में, ये दक्षिण अमेरिका में है, ठीक है। नील नदी आपका मिस्र, मिस्र में है नील नदी, मिस्र, अमेज़न आपके कनाडा साइड में है, ये दक्षिण अमेरिका में आपका है। देखो अमेरिका, यूएसए अलग है, अमेरिका एक कंटिनेंट भी है, दक्षिण अमेरिका, उत्तरी अमेरिका एक कंटिनेंट है, इसमें कंफ्यूज मत करना। सबसे बड़ी नदी के बाद सबसे छोटी नदी, स्मॉलेस्ट रिवर, देखो स्मॉलेस्ट रिवर, सबसे छोटी डी नदी, डी रिवर, ये कहाँ है सर, डी रिवर आपका यूएसए में है, डी नदी ऊपर करे सर, यस यस सर, ये कहाँ उठ कर जा रहा है, ड्राइवर लिख दिया सर आप, अच्छा ड्राइवर, डी रिवर, डी रिवर है सर, डी रिवर है सर, अरे डी लिखिए सर, डी, अरे डी, अरे डी के बाद स्पेस है, डी रिवर, चलिए कॉमन सेंस,
सर वो एक में ही ऐड कर दिया इसीलिए ड्राइवर हो गए। सबसे छोटा पक्षी दिखाई दे रहा है कि जूम करे थोड़ा सा, थोड़ा सा सर और जूम कर लीजिए, कर लेते हैं सर। हम 12,000 का पेंट है आपको पढ़ाने के लिए खरीदे हैं, बताइए। पेंट खरीदे सर? पेंट है यार। अरे पेंट ही बोले सर, हम पेंट नहीं बोल रहे सर, पेंट है। सबसे छोटा पक्षी हमिंग बर्ड, हमिंग बर्ड देखो इतना चीज उन लोग को पढ़ाए थे लगता है 3-4 दिन में, आपको हम एक दिन में खत्म किए ना। बहुत सारा इसमें क्वेश्चन है सर जो कि पहले से ही पढ़े हैं। अब सबसे बहुत बढ़िया विवेकानंद जी, माइक बंद कर। सबसे बड़ी झील, सबसे बड़ी झील बेउर झील, कैप्सियन सागर। सर ये तो सागर ना हो गया। अरे ये झील भी है, इस नाम है कैप्सियन, झील ही है सर, इस कैप्सियन सागर झील है। हां रूस में, रूस में है सर। सर झीलों बिगेस्ट लेक, बिगेस्ट लेक। अब इंग्लिश वाले चुप हो गया, उसको प्रॉब्लम हो रहा है क्या? नहीं नहीं नहीं, कुछ लोग ही बोलते हैं यार, कुछ लोग इसमें 39 में कुछ लोग बोलने वाले हैं, बाकी लगता है सब क्लास छोड़कर भाग गया है। मतलब है सर, है बोल नहीं रहे कुछ, है दो तीन लोग कंफर्टेबल है सर। सबसे बड़ी ताजे पानी की झील, सबसे बड़ी ताजे पानी की झील बुलर झील, सुपीरियर। सबसे बड़ी ताजे पानी की झील, फ्रेश वाटर लेक, ताजे पानी की झील। सर ये क्या लेक है सर? कैस्पियन सागर, कैस्पियन सागर, कैस्पियन सागर, कैस्पियन सागर। ग है ये जो है ना ऐप, माइक्रोसॉफ्ट क्या है ये है माइक्रोसॉफ्ट व्हाइट बोर्ड, ये गोल करेंगे तो ये गोल खुद हो जाएगा, देखो यही प्रॉब्लम होता है। सबसे बड़ी ताजे पानी की झील, ताजे पानी की झील सुपीरियर झील, बिगेस्ट फ्रेश वाटर लेक सुपीरियर, अमेरिका है सर, अमेरिका। हाँ सुपीरियर, सुपीरियर, सुपीरियर लेक, ये आपका अमेरिका में है, यूएसए में। अगला लिखो, सबसे गहरी डीपेस्ट लेक, सबसे गहरी झील, सबसे गहरी डीपेस्ट लेक। आप लोग को बड़ा बहुत प्रेम से ना जाने की उम्मीद है। सर ताजा पानी लिखा है तो यहाँ फ्रेश वाटर लिख दे। हाँ फ्रेश, फ्रेश वाटर, ताजा ही तो हुआ। सबसे गहरी झील बैकाल झील, ये कहाँ है सर? रसिया, रूस। रसिया, रूस। आप लिखो, ईयरफोन लगाकर पढ़ोगे ना तो प्रॉब्लम नहीं होगा, ईयरफोन ही लगा। अब आ जाओ, हाँ सबसे ऊंचा पर्वत शिखर, सबसे ऊंचा पर्वत शिखर। एग्जाम के बाद 2 घंटा आज पहली बार ना इतना देर पढ़ने के लिए बैठे हो। हिमालयन सर, माउंट यस सर, सही है सर। सर शिखर ना, हाँ तो शिखर है सर, शिखर, शिखर हम बोल रहे हैं, रेंज नहीं बोल रहे हैं। रेंज बोलते तो ये आपका आ जाता, ये देखो ना इससे भरा एक रेंज है, एंडीज, एंडीज, एंडीज। ये बोल रहे हैं शिखर, बोल रहे हैं शिखर, चोटी सर इंग्लिश में। अच्छा चोटी, हाईएस्ट पीक, शिखर मतलब पीक, हाईएस्ट माउंटेन पीक। लिखो अगला, लिखो इसमें, इसमें कितना हुआ? 25, 23, 24, 23 हुआ। सबसे ऊंची पर्वतमाला, सबसे ऊंची पर्वतमाला, सबसे ऊंची पर्वतमाला हिमालय, माउंटेन पर्वतमाला मतलब सर हाईएस्ट माउंटेन रेंज। देखो हाईएस्ट, हाईएस्ट माउंटेन रेंज हिमालय एशिया में है।
ऊपर करें? यस सर। पढ़ रहे हो ना? वो सियार yes, तीन चार को भाग गया ना, अब अपलोड ना करेंगे। हाँ अब लिखो, सबसे लंबी पर्वतमाला। हम जानते हो 12 घंटा लगातार क्लास देखे, 12 घंटा लगातार। सर हम आज तक 3 घंटा ज्यादा पढ़ेंगे। ऑनलाइन की सर? ऑफलाइन। ऑनलाइन आप बहुत सर कर्मठ है। इंडीज लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज इंडीज दक्षिण अमेरिका। कैसे सर 12 घंटा फोन पे सर देख? कैडेट डिफेंस एकेडमी, कैडेट डिफेंस एकेडमी अभी भी लाइब्रेरी में हम 24 घंटे का मेरा लाइब्रेरी शिफ्ट होता है 24 घंटे का। एनडी 24 घंटा? हाँ तो हम जाते नहीं सर, मतलब एक टाइम तो खाना तो बनाकर एक टाइम खा लेते हैं, और एक मतलब हम एक टाइम मेस में खा लेते हैं, एक टाइम बना लेते हैं, क्योंकि मेस में खाने से तबीयत खराब हो जाती है। सबसे ऊंचा पठार आपका घर है? यस सर, उसमें जो प्रोडक्ट यूज करता होगा सही यूज नहीं करता सर। पर्वतमाला लिखे हैं, क्या होगा पर्वतमाला इंग्लिश में? माउंटेन रेंज। माउंटेन रेंज जहाँ भी दिक्कत, सबसे ऊंचा पठार, हाईएस्ट प्लेट्यू, पामीर या इसको तिब्बत का पहाड़ बोलते हैं, तिब्बत का पठार। अरे मेरे को जॉन्डिस और टाइफाइड दोनों हो गया मेस में खाने से, हम कैसे कैसे सुधरे हैं। पामीर है सर? पामीर, हाँ पामीर। और मेस में खाना बढ़िया नहीं होता है सर बहुत। अरे उसमें प्रोडक्ट यूज अच्छा नहीं करता है। सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म पामीर, क्या आइडिया है सर? अरे पामीर का पठार नाम है, जैसे ही माउंट एवरेस्ट जैसे पामीर का पठार है, देश पामीर का पठार है। सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म। चार्ज कितना खाता है सर? गोरखपुर सर, ट्रांस साइबेरियन गोरखपुर होता है। तो रूट है लव, सबसे लंबी रूट है ट्रांस साइबेरियन। ट्रांस साइबेरियन जो आपका रशिया में है, ठीक है। सबसे कहां पे थे? सबसे लंबा प्लेटफॉर्म गोरखपुर वर्ल्ड में या इंडिया में सर? हाँ ये वर्ल्ड में सर, वर्ल्ड में सबसे लंबा है यूपी में, बिलोंग इंडिया से करता है। यस सर, पूरे एशिया का सबसे बड़ा है सर। यस सर, योगी जी सबसे क्या सर? ये रेलवे ट्रैक के ऊपर क्या लिखे पठार, इंग्लिश क्या होता है? प्लेट्यू। ओके सर। उसके बाद लिखो, सबसे लंबा रेलवे हो गया ना, सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन ट्रैक प्लेटफॉर्म। रेलवे ट्रैक मतलब लिखिएगा, रेलवे प्लेटफॉर्म में लिखिएगा ना सर। रेलवे स्टेशन ग्रैंड सेंट्रल टर्मिनल, ये न्यूयॉर्क में ना है सर? यस सर। न्यूयॉर्क। मेरा लैपटॉप का भी पैसा तुम लोग निकाल दो, इतना लड़का आ जाए तो बहुत बड़ी बात है सर। ये हम लिए थे 79K। कौन सा लैपटॉप लिए थे? पवेलियन है, एचपी का पवेलियन सीरीज का। ओ तब इसका मतलब गेमिंग लैपटॉप आप ले लिए। 400 से पढ़ा रहा सही, कल नहीं हो गया होगा? ग्राफिक्स कार्ड होगा सर इसमें, ग्राफिक्स कार्ड होगा सर। 16GB रैम है, 2GB ग्राफिक्स है इसमें, एनवीडिया का। अरे हम 40 से शुरू किए तो और बढ़ते बढ़ते और अच्छा और अच्छा और अच्छा, हम सोचे 1 लाख तक पहुंच जाते। फिर हम पापा मुंह चेहरा देखने लगे, अच्छा कहे पापा ने 80,000 सबसे लंबी सबसे लंबी रेल मार्ग, ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग।
नहीं तो उससे पहले 5 महीना पहले पापा से ले लिए थे पल्सर एक गाड़ी मेरा है, तो वो 1,30,000 उधर इन्वेस्ट कर दिए थे ना। हाँ सर। हाँ तो इसलिए फिर वो कहे कि ना, कहे कि कोई बात नहीं हम आपको दे देंगे, टेंशन नहीं लीजिए, हमारा आ रहा है स्टूडेंट सब, मेरा भाई लोग आ रहा है मदद करने के लिए। सबसे ऊंची सड़क लेह मनाली, कहाँ इंडिया में है? यू उत्तराखंड में सर। हाँ लेह मनाली मार्ग भारत। ओ हाँ, लेह से लद्दाख से लेके मनाली उत्तराखंड तक। हाँ मनाली तो हिमाचल प्रदेश में पड़ते हैं सर। हाँ हाँ हिमाचल प्रदेश का है मनाली, मनाली कौन नहीं जानता है बताओ, मनाली तो पूछेगा बहुत सर। कोई उत्तराखंड बोल रहा था अभी तो। अरे अब नहीं जानती इसलिए बोल दी बेचारी, मनाली तो सब जानता है, सबसे बड़ा रेगिस्तान। लेह क्या हुआ सर? लेह मनाली, लेह जो है वो जगह का नाम है, लेह लेह लद्दाख, लेह लद्दाख सबसे बड़ा रेगिस्तान, रेगिस्तान को डेजर्ट कहते हैं। थार राजस्थान में है ना, इंडिया में सर। कितना हुआ इसमें? 31 बस एक मिनट सर रुक जाए सर थोड़ा सा। चलो सर थोड़ा नीचे कर दीजिए। Yes, नहीं सर पूरा नहीं सर। रेल मार्ग लिखे हुए उसको क्या बोलेंगे? रेलवे ट्रैक। हाँ रेल रूट। रेल रूट, रेल रूट नहीं, रेल रूट, रेल रूट ट्रांस साइबेरियन रेल रूट, रेल रूट। ठीक है सर, रेल रूट उसको बोलते हैं। सर ऊपर नहीं कीजिए पूरा प्लीज। अच्छा ठीक ठीक भाई, ठीक भाई। चलो रेगिस्तान के बाद एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान, एशिया का पूछ रहे हैं। हार होगा। एशिया बिगेस्ट रेगिस्तान मतलब डेजर्ट। रेगिस्तान ये आपका कौन सा है? हार। नहीं सर गोभी है सर, गोभी 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 गोभी। हाँ गोभी रेगिस्तान मंगोलिया में आपका है। मंगोलिया। अब देखो अगला, अभी तो 7-13 हुआ है, अभी आउट चलना है बहुत। सबसे ऊंची मीनार? कुतुब मीनार। कुतुब मीनार तो 40 लड़कों का छूटा हुआ है। कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनाया गया। सबसे ऊंची मीनार कुतुब मीनार। तो सर लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक पूरा कंप्लीट नहीं किया था ना? अरे ये उसके बाद इल्तुतमिश किया, आराम शाह किया, बहुत किया। कुतुब मीनार पैसा दे दिया था ना? सबसे लंबी दीवार? ग्रेट वॉल ऑफ चाइना ना। बिगेस्ट बॉल, वर्ल्ड बिगेस्ट बॉल, चीन की दीवार, द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना दीवार। अब लिखो अगला। चलो 4 घंटे 8 बजे के बाद रहने दो, 8 बजे ज़्यादा नहीं पढ़ा ही नहीं पाएंगे, फिर काम एक आ गया। सर्वाधिक वर्षा का स्थान? नहीं तो 9-10 बजे तक पढ़ा देती। क्या लिखे हैं सर? चीन की दीवार। अच्छा कल दिन में ले लो एक आपका ये बैकअप क्लास। नहीं सर, नहीं सर, दिन में नहीं सर। ये नहीं, ये तो नहीं, नहीं, क्लास हो गई सर। नहीं नहीं ये तो करेंगे, ये तो 8 बजे तक करेंगे ही है, कल दिन में भी एक ले लो। ऊंची दीवार सही रहेगा। यस सर, यस सर।
मेघालय इससे जल्दी कंप्लीट होगा। टाइम बता दीजिएगा ये भाई बोरिंग सर रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग दीजिएगा ना सर ले लीजिए सर के रिकॉर्डिंग सर इमरजेंसी हो गया रिकॉर्डिंग दीजिएगा सर क्या सर सवेरे दे दीजिए 7 से 10 रिकॉर्डिंग इस वाले का यस सर ये इसी क्लास का सर यस सर रिकॉर्डिंग चाहिए हमारा छूट गया हमारा आज रोजा था सर सर एक्चुअली आज रमजान था ना आप लोग आ गए वापस आ गए आप लोग जी आ गए सर लेकिन बीच में छूटा हुआ है सर अच्छा जहाँ छूटा वाली थी ना रोजा आ गए वापस आ गए ठीक ठीक बहुत छूटा हुआ है ठीक ठीक सर सर हम लोग अपलोड कर दीजिए सर सबसे बड़ा बहुत हेल्प मिलेगा सर अपलोड कीजिएगा सर बहुत बड़ा हेल्प मिल जाएगा सर प्लीज सर 3 घंटे का है हम कोशिश करेंगे अपलोड करने के लिए हम कोशिश करेंगे जहाँ से आप लोग लिखो ना तोड़ तोड़ कर अपलोड कर देंगे द ग्रेट यहाँ से लिख सबसे बड़ा घंटा घर द बिग बैन कहाँ रूस में ग्रेट बेल The Great Bell of Moscow. रूम में सर मॉस्को रूस रूम में नहीं रूस में अब अगला लिखो सर सर्वाधिक वर्षा का स्थान इसका इंग्लिश सर ये क्या है सबसे बड़ा घंटा घर अरे सर्वाधिक वर्षा का स्थान जहाँ सबसे ज्यादा वो होता है बारिश सर मोस्ट रेन अच्छा सबसे ज्यादा हाँ मोस्ट रेनी प्लेस भी कह सकते हो मोस्ट रेनी प्लेस कर सकते हो चलो अब लिखो अब सबसे बड़ी मूर्ति लिखो ये आएगा इम्पोर्टेंट इसके सामने लिखना सबसे बड़ी मूर्ति तो सर सबसे बड़ी मूर्ति क्या लिखेंगे स्टैचू ऑफ यूनिटी यस इंडिया में रात में है नहीं सर सरदार वल्लभ भाई पटेल सर ये मॉस्को लिखे है ना हाँ मॉस्को मॉस्को भारत में है ये आपका भाई अभी लंबा एक्स होता है या एस होता है सर अब जो होता है वो लिख दो हम गलत नर्मदा नदी के तट पर हाँ नर्मदा सर यूनिटी से पहले कौन था सर ये था आपका लिबर्टी स्टैचू ऑफ लिबर्टी चाइना वाला सर लिबर्टी अमेरिका वाला या वैसे अब लिखो सबसे बड़ा महाकाव्य इंपॉर्टेंट महाभारत महाकाव्य का अंग्रेजी देखो तो महाकाव्य मतलब कि सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत लिखो इसको हम देख लिमिट देख लेते हैं महाकाव्य का अंग्रेजी देखो ना ये होता है महाकाव्य देखो ना महाकाव्य का कोई देख लो मैक्सिको महाकाव्य मैक्सिको तो नाम ले रहा है बड़ा महाकाव्य महाकाव्य का क्या होता है इंग्लिश यार महाकाव्य को गौर करते हैं सबसे बड़ा लिखो महाकाव्य महाभारत देखो आवाज नहीं जा रहा है आ रहा है सर सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत अब लिखो अब हो गया सबसे विशाल मंदिर विशाल का क्या होता है अंग्रेजी अंकोर वाट का मंदिर कंबोडिया में अंकोर वाट बिगेस्ट टेंपल अंकोर वाट का मंदिर कंबोडिया में इसको बनवाया किसने था सर कृष्ण वर्मन द्वितीय लगता है बनवाया था इसको सही बताया ना चलो सबसे ऊंचा पशु ऊंचा जिराफ हाई जिराफ
जिराफ पशु का होता है एनिमल, ऊंचा एनिमल हाईएस्ट लॉन्गेस्ट लार्जेस्ट सर टॉलेस्ट लार्जेस्ट लार्जेस्ट एनिमल लार्जेस्ट लार्जेस्ट होगा सर टॉलेस्ट टॉलेस्ट लार्जेस्ट इसको मार दो। अच्छा लिखो बिग, अब अगला लिखो सबसे लंबा ब्रिज लॉन्गेस्ट, सबसे लंबा ब्रिज लॉन्गेस्ट ट्री लिखो सिकोया, सिकोया 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 का ब्रिज, सिकोया का ब्रिज 50 फुट का छोड़ दीजिएगा सर। कैलिफोर्निया ब्रिज कहाँ है सर? अब खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, थोड़ा सा और है। कहाँ पड़ता है सर जी? 50 फुट जगह से छोड़ दीजिएगा फिर कल दीजिएगा क्लास। सिकोया का ब्रिज कैलिफोर्निया में आता है, ये कैलिफोर्निया में होता है सिकोया का ब्रिज कैलिफोर्निया में। अब सबसे विशाल काय पशु बिगेस्ट क्या लिखे हैं सर? एनिमल ड्रैगन, ड्रैगन सबसे लंबी है। हाँ सबसे विशाल काय हाथी पशु ब्लू व्हेल। अरे किसका ये माइक किसका ऑन है? किसका ही माइक ऑन है? बच्चा भी पढ़ रहा है सर। झुनझुना का आवाज सुना रहे हैं सर। ब्लू बॉल है, ब्लू व्हेल है, ब्लू व्हेल है, झुनझुना का आवाज सुना रहे हैं। सबसे बड़ा पक्षी, सबसे बड़ा पक्षी ऑस्ट्रिच। धीरे भाई इतने सबसे बड़ा पक्षी। अरे विवेकानंद जी से रहा नहीं जा रहा है। सबसे बड़ा पक्षी ऑस्ट्रिच। आप लोग सुनो इधर, आप लोग सुनो, आप लोग बोलते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हम बोले तो प्रॉब्लम है। आप लगातार बोल रहे हैं भाई, थोड़ा धीरे बोलिए, ईयरफोन लगा। अरे कोई दिक्कत नहीं भैया, अरे चार्ज मेरा फोन का खत्म होने वाला है इसीलिए चार्ज में लगाने से हेडफोन नहीं लगा हुआ। अच्छा कितना हुआ? 45 इतना ही रहने दो, 45 हो गया सर। चलो अगला टॉपिक लिखो कि ये कौन सा टॉपिक है। ये था सर विश्व का सर्वाधिक बड़ा छोटा लंबा क्वालिटी। कितना नंबर का टॉपिक? सर 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 पीछे कीजिए ना सर, स्क्रीनशॉट लेंगे पीछे कीजिए। पीछे कीजिए सर, पीछे। थर्ड नंबर का सर, थर्ड नंबर का सर, नीचे कीजिए सर। का ये किसका डिस्टर्ब क्लास कौन कर रहा है? सुधांशु का माइक ऑन है। कहां सुधांशु भाई, आप झुंझुना का आवाज सुनाते हैं? बहुत सुनिए भाई। क्या भाई प्रमुख देशों के राष्ट्रीय चिन्ह लिखो सर। ये 5 नंबर टॉपिक होगा सर, 5th नंबर। बताओ 5 दिन का क्लास अभी तक हम लोग कर लिए हैं। प्रमुख देशों के राष्ट्रीय चिन्ह 5 बजे से क्लास कर रहे हो ना? कितना देर सर चलेगा उस सर क्लास ना? पर कितना देर सर चलेगा क्लास? अच्छा कौन है जो शुरू से भी क्लास कर रहा है, एकदम शुरू से है लास्ट से एकदम? देखिए जरा हम भी होशियार को। हम सर कुमार के सर। हाँ हम सर, हम सर, मैं भी हूँ सर, और हम लोग भी हैं सर। मैं भी हूँ सर, हम भी हैं सर। चलो तुम लोग आराम से पढ़ो। मैं भी हूँ सर। हाँ तो लंबा तुम लोग पढ़ सकते हो एक जगह बैठकर, कोई दिक्कत नहीं है तुम लोग। अब लिखो भारत सर, और बोले तो कितना देर सर चलेगा भारत? अब लिखो बहुत देर अभी चलेगा। राष्ट्रीय चिन्ह नेशनल, लिखो अंग्रेजी में लिखो सिंबल ऑफ नेशनल, सिंबल ऑफ नेशनल सिंबल ऑफ कंट्री। ठीक है अब लिखो भारत का अशोक स्तंभ, अशोक स्तंभ इसका होता है भारत का लायन
कैपिटोल, इसका अंग्रेजी में जो होता है ये होता है लाइन कैपिटोल। अशोक एम्बल। अब लिखो बांग्लादेश, अब लिखो बांग्लादेश, भारत का अशोक स्तंभ। हाँ राष्ट्रीय चिन्ह बांग्लादेश, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ है, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ। बांग्लादेश, बांग्लादेश का लिखो वाटर लिली, वाटर लिली। लिखते लिखते तुम लोग थक गए होंगे, हम तो लिख नहीं रहे हैं। वाटर लिली अब लिखो तुर्की, लायन में कैपिटल लिखे, कैपिटल चिन्ह है। हाँ राष्ट्रीय चिन्ह है अशोक स्तंभ। तुर्की लिखो चांद तारा, चांद तारा, तुर्की का चांद तारा, ठीक है। अब लिखो उसके बाद लिखो तुर्की के बाद लिखो नॉर्वे, नॉर्वे का राष्ट्रीय चिन्ह शेर, शेर, नॉर्वे का शेर। अब लिखो कौन आ रहा है इस टाइम, अब लिखो अगला, लिखो बांग्लादेश लिखवा दिए ना, फ्रांस। यस सर। फ्रांस क्या है सर, बांग्लादेश। तुर्की के नीचे क्या लिखे हैं सर, तुर्की का चांद तारा, नॉर्वे का शेर, फ्रांस का नीचे क्या है, वाटर लिली, वाटर लिली, वाटर लिली, वाटर लिली, वाटर लिली। सर फ्रांस का क्या लिखे, लिली, फ्रांस का लिली, फ्रांस का लिली, फ्रांस का लिली, ठीक है। और इसको ये क्या लिखवा है, नॉर्वे का शेर लिखवा है ना, शेर। हाँ तो नॉर्वे का शेर लिखो, नॉर्वे का शेर लिखवा है ना, पर अंग्रेजी में जो ऑप्शन आएगा उसमें लिखा जाएगा कोट ऑफ आर्म्स, कोट ऑफ आर्म्स। इसका तो वाटर लिली सही है, तुर्की का चांतारा भी सही है, लिली फ्रांस का लिली भी सही है। और लिखो हो जाएगा, अब लिखो उसके बाद ईरान, ईरान, ईरान का लिखो गुलाब का फूल, गुलाब का फूल, गुलाब का फूल। इंग्लिश में सर, अब ये सब तो इंग्लिश में वही रहेगा ना, गुलाब का फूल, ठीक है। ईरान का हो गया, अब लिखो है तो गुलाब का फूल, यूके का, और यूके का भी लिखो इसके साथ, यूके का, यूके का गुलाब का फूल, गुलाब का फूल, दोनों का सेम होगा। हाँ, सर सेम है सर। फिर लिखो देखने में भी स्पेन, स्पेन का, अब हम लोग को क्या लेना देना है, देखते हैं कैसा रट लेंगे, एक नंबर आ जाएगा, उतना टेंशन लेके चलेंगे तो हो गया। यूएसए का गोल्डन रड, सर स्पेन का बोलिए ना सर, यूके का ईगल, 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 स्पेन का ईगल, स्पेन का ईगल, यूके का यूनाइटेड किंगडम, यूके का यूनाइटेड किंगडम, यूके का रोज, रोज सिर्फ रोज, रोज का फूल नहीं आएगा, रोज, ठीक है। और स्पेन का ईगल, ठीक है। यूएसए का गोल्डन रड, यूएसए का रड, गोल्डन रोड, पर अंग्रेजी में इसको क्या, यहाँ का क्या है जानते हो, बॉल्ड ईगल, ये अंग्रेजी वाले का ऑप्शन में ये आएगा, जो ईगल तो इसमें ईगल, इसमें रोज आएगा, इसमें रोज, इसमें लिली आएगा, नॉर्वे का कोट ऑफ आर्म्स आएगा अंग्रेजी वाले का, तो जो जो आएगा वो हम बता देते हैं। फिर लिखो अगला, लिखो कनाडा, कनाडा, इसमें कितना हुआ सर, यूएसए में बेल्ड लिखेंगे, बोल्ड लिखे, बेल्ड, 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 मैपल लीफ, मैपल लीफ, इसका मैपल लीफ अंग्रेज आएगा, जिसका अलग आएगा ना हम बता देते हैं। अब ईरान का लिखवाए हैं, ईरान का गुलाब,
यस सर। ईरान ईरान लिखवा दीजिए। गुलाब का फूल तो लिखवा दिए। अब लिखो रूस का, रूस का लिखो, रूस का, रूस का लिखो डबल हेडेड। सर कनाडा का क्या लिखे? मैपल लीफ सर, कनाडा मैपल लीफ, मैपल लीफ। हाँ कनाडा का लिखो डबल हेडेड चिन्ह सर, क्या नाम लिखो? डबल हेडेड ईगल किसका बताओ ना? यूएसए का गोल्डन रोड, कनाडा का मैपल लीफ, रूस का डबल हेडेड ईगल, ईरान का गुलाब का फूल, फ्रांस का लीली, नॉर्वे का शेर, अंग्रेजी का कोट ऑफ आर्म्स। अब देख लेते हैं रूस के क्या है सर? डबल जापान लिखो, जापान रूस, रूस के क्या है? डबल हेडेड ईगल, डबल हेडेड रूस के क्या है सर? क्या अब बता तो रहे, डबल हेडेड ईगल ठीक है। अब लिखो जापान, गुलदाउदी, गुलदाउदी जापान का गुलदाउदी सर्च कर लेना, ये गुलदाउदी ये भी फूल का नाम है। अब लिखो, ये ख़त्म हो गया, जो लिखवाना था हम लिखवा दिए। इटली लिखवाए हैं, जापान का क्या? जापान का गुलदाउदी आएगा इंग्लिश में भी, इसका सर्च कर लेना, मेरे को लगता है गुलदाउदी ही आएगा। इटली पर सर्च कर लेना, जिसमें हो ना वो सर्च अंडरलाइन करके मेरे को बाद में पूछ लेना, हम गूगल कर लेंगे। इटली सफेद लिली, सफेद वाइट लिली, सफेद लिली, सफेद लिली, इटली का सफेद लिली ठीक है। अगला वाइट लिली नहीं, इसको क्या अंग्रेजी में बोलते जानते हो? कोट ऑफ आर्म्स, अंग्रेजी में ऑप्शन आपका ये आएगा, ये इसीलिए हिंदी पढ़ना चाहिए बहुत। सर शेर का भी तो कोट ऑफ आर्म्स ही लिखवाए हैं नॉर्वे का। ये इटली है ना, इसका यही इंग्लिश में इसका ये नाम है, ये पहचान इसका शेर है, उसका वो फिगर जैसा है, पर इंग्लिश में उसको कोट ऑफ आर्म्स बोलते हैं। बस नाम दे दिया है भाई, माइक ऑफ कर दो जिसका है, नाम दे दिया है भाई, सिर्फ नाम दे दिया है, नाम में नाम दे दिया है कि ये हम बोलेंगे इंग्लिश में ठीक है। इसीलिए बहुत चीज़ हिंदी में पढ़ना होता है, बहुत चीज़। देखो कंफ्यूजन हो रहा है ना, इसे इटली सफेद लिली कौन माइक ऑन किया है? ए क्या है विवेकानंद बापू जी, अब लिखो अगला अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं, अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं, इंटरनेशनल बॉर्डर, अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं। अगला टॉपिक लिखो अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं, अंतर्राष्ट्रीय सीमा हो गया सर ये? हाँ वो हो गया, अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं। अगला टॉपिक लिखो अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं। अब मैक मोहन लाइन, भारत चीन, हाँ इंडिया चाइना, मैक मोहन, मैक मोहन लाइन रेखा या मैक मोहन लाइन, यह लाइन मैक मोहन लाइन इंग्लिश में लिखना। किसके बीच में पूछेगा? तो भारत एवं चीन के बीच में। ठीक है दूसरा लिखो रेड क्लिफ लाइन, रेड क्लिफ इंग्लिश में भी रेड क्लिफ है, रेड पाकिस्तान के बीच, रेड क्लिफ लिखा या रेड क्लिफ लाइन लिखो, भारत एवं पाकिस्तान। क्लास में है ना, सब शांत हो गया। हेलो सर, अड़तीसवीं पैरल लाइन, 38 उत्तरी कोरिया सर। इंग्लिश में भी मैक मोहन रेखा आएगा? हाँ इंग्लिश में भी मैक मोहन ही है। सर ये सेकंड का क्या है, भारत एवं पाकिस्तान का? रेड क्लिफ रेखा, रेड क्लिफ। उत्तरी कोरिया रेड क्लिफ नामक आदमी था एवं दक्षिण कोरिया। क्या 38वीं पैरल लाइन, 38 पैरल लाइन, 38 डिग्री चैनल है सर वो। हाँ उत्तरी कोरिया एवं दक्षिणी कोरिया,
38वीं समानांतर रेखा। हाँ अब लिखो 49th लिखना पैरेलल। सर क्या लिखे है 38वीं पुल लाइन पैरेलल मतलब किसे समांतर है। हाँ माइक ये आप ईयरफोन लगाकर क्लास नहीं कर रहे हैं डिस्टर्ब हो रहा है क्लास। 49th पैरेलल लाइन यूएसए एवं कनाडा। अरे सब है ना कि सब भाग गया है। 37 को तो है पर जिंदा तो बोलता बहुत कम है दो चार लोग ही बोल रहा है। नहीं सर सब लोग बोल रहे हैं हम तो बोल रहे हैं। देखो ड्यूरेंड अर्जेंट सर ड्यूरेंड प्रेजेंट सर हाजिरी बोल रहे हैं क्या। अरे भाई कुमारी तुम्हारा फोटो है ड्यूरेंड लाइन पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान। अच्छा गूगल मीट पे पहली बार क्लास कर रहे हो कि इससे पहले भी कभी किए थे। पाकिस्तान अफगानिस्तान फीलिंग दे रहे ना पूरा एकदम फीलिंग एकदम ऑफलाइन क्लास वाला मिल रहा है ना बोल रहे हो कमेंट कर रहे हो क्या थोड़ा कभी कभी आप करिएगा तब ना अच्छा से फील। अब देखो अब आओ प्रमुख चिन्ह तथा प्रतीक। प्रमुख अंतरराष्ट्रीय सीमा खत्म। हाँ सीमा खत्म आज हम आपको पढ़ा पढ़ा के पेंसिल बना देंगे। सर हम्म सर ये क्या लिखे लास्ट में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में कौन सा लाइन है। ड्यूरेंड लाइन सर पहले अफगानिस्तान भारत के बीच था सर। आप देखो अगला आ जाओ प्रमुख चिन्ह तथा प्रतीक अगला टॉपिक ये क्लियर कर लिए। क्लियर किए सर। सर हो गया। और पढ़ने में मन लगेगा लंबी है। अब और पढ़ने में मन लगेगा। अब देखो पढ़ो अच्छे से अब पढ़ते हैं। सर थोड़ा सा नीचे कीजिए ना सर थोड़ा सा नीचे। अब तक टाइम पास हुआ आप पढ़ते पाकिस्तान को उठा कर लेके। सर ये जो आप लिखवाए हैं अंतरराष्ट्रीय सीमाएं तो इससे सर क्वेश्चन कैसे बना के देगा। मैकमोहन रेखा किस दो देशों के बीच में है। मैकमोहन लाइन चाहे भारत एवं चीन के बीच कौन सी रेखा गुजरती है। हाँ बस सेम ऐसे ही आएगा। अच्छा चलो अब लिखो हिंदी में पहले लिखते हैं। हिंदी है हम वतन है और उसके नीचे इंग्लिश लिखते हैं। प्रमुख चीन तथा प्रतीक। लिखो सम इम्पोर्टेंट साइन और सिंबल। अब यूट्यूब पे अपलोड नहीं हो पाएगा। फिर आएगा उधर से एमडी फुल बोलेगा सर करिए 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 रमजान में। हाँ भाई अमिता तो जी लिखो कलम फिर हिंदी में भी हम इंग्लिश में भी बता देंगे पहले अब हल्ला मत करना है। कलम कलम किसका प्रतीक या चिन्ह है। ठीक है तो संस्कृति और सभ्यता। अब लिखते हैं इंग्लिश वाले रुक जाओ। संस्कृति और सभ्यता लिखो। संस्कृति सिंबल ऑफ कल्चर। सर ये नहीं समझ में आया क्या बोले। सिविलाइजेशन। देखो क्वेश्चन पूछेगा कि कलम किसका प्रतीक है। कलम किसका जैसे झुका झंडा पीला झंडा रेड क्रॉस कबूतर पक्षी हरा प्रकाश लाल प्रकाश पीला प्रकाश किसका प्रतीक है। बांह पे काली पट्टी बांधे हुए या आंख पे मतलब आंख पे काली पट्टी हाथ में तराजू लिए हुए किसका प्रतीक है। न्याय का प्रतीक है। कोर्ट में देखे हो ना ओ अंधा कानून पेन अंधा कानून। हाँ कलम लिखो कमल का फूल। कमल का फूल
अशक्तिमान देख रहे हो क्लास लगाकर। सर संस्कृत सर संस्कृति चिन्ह है, सभ्यता प्रतीक है। किसका माइक ऑन है, माइक ऑफ करो। तो कलम जो है वो पूछेगा कलम किसका प्रतीक है, चिन्ह है, कलम किसका चिन्ह है। तो पूछेगा कलम निम्नलिखित में कलम किसका प्रतीक है या कलम किसका चिन्ह है, ऐसे पूछेगा। निम्नलिखित में कलम किसका प्रतीक है, प्रतीक किस, कलम से क्या प्रतीक है, किसका प्रतीक है, लाल रंग किसका प्रतीक है, तो रुकने का है, खतरा का है, हड्डी जो ऐसे ऐसे रहता है, ऐसे ऐसे रहता है, उस किसका प्रतीक है, देखे हो ना, तो खतरे का प्रतीक है। एक दूसरे को काटती तो हड्डियाँ ऊपर खोपड़ी। कमल का फूल मतलब लोटस, लिखो लोटस, इंग्लिश वाले लोटस लिखो। कल्चर एंड सिविलाइजेशन दोनों का एक ही है, कल्चर एंड सिविलाइजेशन, हिंदी वाले संस्कृति और सभ्यता का प्रतीक। तीसरा नंबर लिखो कमल के, रेड क्रॉस, रेड क्रॉस जानते हो, लाइव पढ़ ले रहे हो ना, खतरा का जो लाइव तो तुम लोग पढ़ रहे हो, हम 100% बोलते हैं। सर, यार माइक ऑफ करो यार। सर कल्चर एंड सिविलाइजेशन मतलब किसका ऑन है, माइक किसका ऑन है पहले वो स्पीकर। संस्कृति और सभ्यता है सर इसका हिंदी। हाँ संस्कृति और सभ्यता, संस्कृति और सभ्यता। भाई वो जो ये एयरफोन नहीं लगाए हुए, बिल्कुल गलती से माइक ऑन मत करना यार। रेड क्रॉस, रेड क्रॉस लिखो। डॉक्टरी सहायता एवं अस्पताल, डॉक्टरी हम बता रहे हैं ना, हम खुद देखें, हम जब भी कोई भी लाइव क्लास होता है तो लाइव क्लास देखते हैं हम। यूट्यूब पे 2x भी कर सकते हो, पर एकदम नहीं देख पाओगे 3 घंटा, बिल्कुल नहीं। डॉक्टरी सहायता एवं अस्पताल हम देखे हैं ना, रोक आधा क्या सर, बिल्कुल नहीं देख पाते सर। कोई बोलता है ना कि हम देख लेंगे लाइव, आधा घंटा तो देख ही नहीं पाते। डॉक्टरी सहायता एवं अस्पताल लाइव देखो। मेडिकल हॉस्पिटल, मेडिकल मेडिकल एंड हॉस्पिटल, रेड मेडिकल हेल्थ सर, एड 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 फर्स्ट एड होता है ना, फर्स्ट एड लिखो। चौथा, चौथा लिखो लाल झंडा, लाल झंडा खतरों का, क्रांति या खतरे का सूचक, क्रांति। तुम लोग तो घर में हो गए, मम्मी पापा देख रहे होंगे, तो बेटा 3 घंटा से पढ़ रहा है। क्रांति या खतरे का सूचक, मेरी मम्मी देख लेगी तो खुशी से नाचने लगेगी, 4 बार आके चाय और बिस्किट देगी। क्रांति या खतरे का सूचक लाल झंडा लिखो। रेड फ्लैग रिवोल्यूशन, रिवोल्यूशन सबकी मम्मी रिवोल्यूशन, साइन ऑफ डेंजर सब सर। सबकी मम्मी आपको दुआ देती होगी सर। सर हाँ बोलिए ना सर। एक नोटिफिकेशन आया है क्या, रात में छात्रा से मिलने पहुंचे शिक्षक को पकड़ के ग्रामीणों ने कराई शादी। तो ये मेरे को क्यों बता रहे हो, नहीं देख रहे थे। अच्छा लाल झंडा, काला झंडा, काला झंडा मतलब कमेंट अब करते करते स्टूडेंट से करते करते कमेंट भाई। मेरे पे करने लगे ना, विरोध का प्रतीक, पहले सब आपस में कमेंट करते थे, अब मेरे पे करने लगे विरोध का प्रतीक। हम टीचर थोड़े हैं, हम स्टूडेंट है ना भाई, विरोध का प्रतीक हम तो आपके बड़े भाई हैं। काला झंडा ब्लैक, यस सर सीनियर भाई ना, भैया से मजाक कर रहे थे तो। हाँ जी सर, ब्लैक फ्लैग सिंबल ऑफ प्रोटेस्ट, भैया से मजाक करेंगे बहुत पिटाएंगे, सिंबल ऑफ प्रोटेस्ट क्या लिखे हैं, पिटाई भी खा लेंगे प्रोटेस्ट क्या, ब्लैक फ्लैग लाल झंडा रिवॉल्यूशन साइन ऑफ डेंजर, क्या लिखे लाल झंडा, लाल झंडा क्रांति या खतरे का सूचक, रिवॉल्यूशन साइन ऑफ डेंजर, काला झंडा विरोध का प्रतीक, ब्लैक फ्लैग सिंबल ऑफ प्रोटेस्ट। लिखो ना, पढ़ो ना, अभी अभी तो लंबा पढ़ना है इसीलिए तो, अभी तो रोजा तोड़ के हैं सर, अब झंडा पढ़िएगा, दुआ मिलेगा सर आपको बहुत। तो तुम लोग कुछ खाए, खाते हो ना रात में, अभी खाए 8 बजे छोड़ छोड़ देगा भाई, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
पीला सर डाटा खत्म हो गया, आप बंद कर दीजिए क्लास। डाटा डाटा लगता है, झूठ भी बोलने नहीं आता, झूठ नहीं बोल रहे, खत्म हो गया। स्क्रीनशॉट भेजे क्या? संक्रामक रोग ग्रस्त 9905819992 पे भेज दो। उससे बहुत बोलने लगता है यार, तुम लोग बहुत आगे बढ़ जाकर बोलने लगते हो। फिर वाहन पर लगा झंडा, वाहन पर लगा झंडा, अभी कहाँ क्या हुआ सर? पांच नंबर में एक बार बोली गया। पीला झंडा, काला झंडा, ब्लैक फ्लैग, सिंबल ऑफ प्रोटेस्ट, विरोध का प्रतीक। काला झंडा विरोध का प्रतीक, ब्लैक फ्लैग सिंबल ऑफ प्रोटेस्ट, संक्राम पीला। ये देखो यूट्यूब पे भी जब लाइव क्लास चलता है ना, यूट्यूब पे भी, तो वहाँ भी हम देखते हैं कि सब कमेंट कर रहा है संक्रामक लोगों को। क्या लिखे हैं? पीला झंडा, संक्रामक रोग ग्रस्त, संक्रामक रोग ग्रस्त। इंग्लिश बोलिए, अब लिखो इसका इंग्लिश क्या होता है सर? लिखो ना, लिख रहे फ्लोन ऑफ, फ्लोन ऑन, फ्लोन ऑन शिप और व्हीकल्स, कैरिंग पेशेंट सफरिंग फ्रॉम इन्फेक्टियस डिजीज, जैसे कोरोना। सर ये समझा नहीं सर, कोरोना में पीला झंडा दिखाएंगे? अरे कोरोना में नहीं, इन्फेक्शन वाला जो जब ले जाएगा, जैसे तुमको कोरोना हुआ ना तो तुमको ले जाया जाएगा, कोरोना आएगा तो पीला झंडा दिखाएगा, भाग जाएगा। चलो सातवां लिखो, इन्फेक्शन का जो भी डिजीज है, इन्फेक्शन वाला, जिससे इन्फेक्शन होता है, जिससे हम तुम्हारे में टच करेंगे तो मेरे को भी खतरा है, उसे ले जाने के लिए पीला झंडा उसके लगा हुआ होता है। ठीक है, लिखो अब, लिखो उल्टा झंडा, उल्टा झंडा, उल्टा झंडा, उल्टा झंडा किसका प्रतीक है? उल्टा झंडा, उल्टा झंडा संकट का प्रतीक, संकट का प्रतीक। उल्टा झंडा संकट का प्रतीक, सिंबल ऑफ डिस्ट्रेस, यही होता है ना। सिंबल ऑफ डिस्ट्रेस क्या है सर? फ्लैग, फ्लैग, फ्लोन अपसाइड डाउन, अपसाइड डाउन, इसका ये आएगा, इसका इंग्लिश ये है, फ्लैग फ्लोन अपसाइड डाउन सिंबल ऑफ डिस्ट्रेस। देखो तुम लोग कहते हो थक गए तीन घंटा, हम सुबह 6 बजे लाइब्रेरी गए थे, 6 बजे हम लाइब्रेरी गए थे सर, पहली बार ही बोले थे। हेलो सर, कर्मठ है। हेलो सर, आप दशरथ मान जी की तरह है। हेलो, आप बोलिए ना सर। हेलो सर, आवाज नहीं आ रहा है सर। हेलो, हेलो सर, हम लोग, अरे बोलिए सर, कोई भी झंडा रह सकता है? उल्टा झंडा, पीला झंडा, जो जो लिखवा रहे वही आएगा, लिखिए अगला। सर नेशनल फ्लैग उल्टा झंडा या फिर कोई भी फ्लैग? नहीं नहीं, कोई भी फ्लैग नहीं, उल्टा झंडा जो है वो नेशनल फ्लैग के साथ है, झुका झंडा भी नेशनल फ्लैग के साथ है, झुका झंडा, झुका झंडा, झुका झंडा लिखो, राष्ट्रीय शोक का प्रतीक, शोक दीप, शोक का प्रतीक। सर अपसाइड मतलब ऊपर ना, अपसाइड डाउन हो गया ना, उल्टा झंडा, झुका झंडा, देखो राष्ट्रीय शोक का प्रतीक। सर चलता ही रहेगा क्या? क्या राष्ट्रीय शोक का प्रतीक, राष्ट्रीय शोक का प्रतीक, 11 मिनट और रुक जाओ सर, पहले वाला दिखाइएगा, स्क्रीनशॉट ले लेंगे, छूट गया 3-4-5 सर, प्लीज इसको अपलोड करवाइएगा सर, छूट छूट गया बीच में सर, नेटवर्क स्लो चल रहा सर, मार्केट चलेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे सर, पहले वाला लीजिए 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 लीजिए। यस सर, थोड़ा हम लोग को टाइम दे दीजिएगा, हम लोग ऊपर से स्क्रीनशॉट ले, इसके पहले वाला सर, इसके पहले वाला दिखाइए ना सर, 1-6 तक। ठीक सर, सर इसके पहले वाला थोड़ा सा है, जिसको इसको खत्म करो, कम से कम इसको खत्म करो, इसको खत्म करो भाई, कह रहे हैं सर इसके पहले वाला दिखाइए ना अभी, अब बाद में देखना इसके पहले वाला,
अब आगे खत्म कर दीजिए। राष्ट्रीय क्या है? अब कुछ नहीं, राष्ट्रीय शोक का प्रतीक। राष्ट्रीय शोक का प्रतीक। आठवां, नौवां लिखो, सफेद झंडा। झुका झंडा शांति का प्रतीक। सफेद झंडा संधि या समर्पण। झुका झंडा बस राष्ट्रीय है। संधि या समर्पण शांति भी हो सकता है सर। हाँ हाँ समर्पण संधि क्या होगी सर? संधि या समर्पण का प्रतीक। संधि या समर्पण, देखते हैं कितने लोग अभी तक बचे हुए हो। 34। संधि या समर्पण नंबर में क्या लिखे हैं सर? झुका झंडा राष्ट्रीय शोक का सर। शोक का प्रतीक इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? नेशनल मॉर्निंग। मॉर्निंग नेशनल नेशनल। नौ नंबर में क्या लिखे हैं सर? सफेद झंडा। सफेद झंडा संधि का, संधि या संधि या माइक ऑन करो, ऑफ करो यार। संधि या समर्पण कौन है? अभी 11 मिनट बच रहा है, 10 मिनट पढ़ लो आराम से। माइक ऑफ कराइए ना, आवाज ही नहीं आ रही। सफेद झंडा संधि या समर्पण का प्रतीक। सफेद के बाद लिखो, रेड ट्रायंगल लाल त्रिकोण। लाल त्रिकोण, लाल त्रिकोण। चलो इसको खत्म कर देते हैं यहीं पे। लाल त्रिकोण परिवार नियोजन का प्रतीक। अभी और पढ़ाने का मन था, और पढ़ाते कुछ, तुम लोग डिस्टर्ब कर रहे हो। परिवार नियोजन पढ़ाइए ना सर, पढ़ाइए। लिखो रेड ट्रायंगल। चलो ये खत्म, ये खत्म कम से कम कर दो। रेड ट्रायंगल, रेड ट्रायंगल। लिखो साइन ऑफ फैमिली प्लानिंग। साइन ऑफ फैमिली प्लानिंग। वही वाला है सर, हम दो हमारे दो। चलो ठीक है। कबूतर पक्षी। हाँ भैया वही है, हम दो हमारे और है ना, दो वाला है। बहुत बढ़िया समझे भाई। अरे यार क्लास करो ना यार। कबूतर हम दो हमारे और होने दो। कबूतर पक्षी शांति का प्रतीक। शांति का प्रतीक, शांति का। ऐसे मतलब पढ़ते थे 12 में भी तो ऐसे करते थे क्लास में। डव। नो सर। सिंबल ऑफ पीस। जब 100-120 रुपया फी लेकर आते ना, तब ऐसा ऐसा लड़का आता है। कम से कम अभी तो जब तुम लोग इतना बदमाशी करता है 350 रुपया देकर। लाल प्रकाश। सर लाल प्रकाश कबूतर पक्षी डाकिया का प्रतीक। अरे शांति का प्रतीक है यार। नहीं कबूतर पक्षी जो है नहीं, खतरा नहीं होगा। या सर कबूतर पक्षी मतलब पिजन ना, डब भी उसी को बोलते हैं। रोकने का प्रतीक। लिखो लाल प्रकाश को रेड लाइट बोलते हैं। ट्रैफिक साइन ऑफ स्टॉप आल्सो साइन ऑफ डेंजर। ट्रैफिक साइन ऑफ स्टॉप आल्सो साइन ऑफ डेंजर। डेंजर एंड ट्रैफिक साइन ऑफ स्टॉप। लिख देना ट्रैफिक साइन ऑफ स्टॉप। ग्रीन लाइट तो जानते ही होगे, हरा प्रकाश। चक्र। लिखो 13 नंबर चक्र। यस सर। गाड़ी जाने वाला सर। चक्र रास्ता साफ। चक्र, चक्र लिखो प्रगति का प्रतीक। यस सर। प्रगति का प्रतीक। प्रगति का प्रतीक। प्रगति, प्रगति। अरे एस्पिरेंट वाला प्रगति नहीं, प्रगति। इसका लिखो चक्र का प्रगति का प्रतीक। सिंबल ऑफ प्रोग्रेस। सिंबल ऑफ प्रोग्रेस कितना हुआ? 13 हुआ इसमें ना। अब लिखो, अब रहने दो। आज एक लिख दो, 14 नंबर आ सकता है। ये एक वाला लिख दो, ये बांह पर काली पट्टी। बांह पर काली पट्टी विरोध का प्रतीक, ये शोक का प्रतीक। बांह पर काली पट्टी,
बाह पर काली पट्टी। सर क्या? अरे बाह पर काली पट्टी। सर चक्र का इंग्लिश क्या लिखे सर? चक्र प्रगति का प्रतीक, झील लिखो ना। वहां पर काली पट्टी इंग्लिश में क्या लिखे हैं? डब्ल्यू एच डबल ई एल। वहां पर काली पट्टी, हाँ, शोक या विरोध, शोक या विरोध, शोक या विरोध, वहां पर काली पट्टी। अंग्रेजी में लिखना इंग्लिश वाले, ब्लैक स्ट्रिप ऑन फोर आर्म। ब्लैक स्ट्रिप ऑन फोर आर्म साइन ऑफ मॉरिंग और प्रोटेस्ट, साइन ऑफ। थक गए तुम लोग? नो सर। यस सर, कल करेंगे क्लास। बस एक एक सर, एक 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 लास्ट 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 कल दिन में भी चक्कर आएगा। लास्ट 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 अंतिम 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 अंतिम। ओके ओके, है तो बहुत सा, पर एक लास्ट लिख दो, लास्ट लिख दो। कल दिन में सर कराए क्लास। ए भाई, दिन में हम खुद पढ़ना होता है, बहुत ज्यादा। सर आप ही तो बोले थे। अच्छा, हम कर कल दिन में, कल सोमवार है ना, कल कैसे हो सकता है, कल नहीं करवा सकते। भाई गूगल मीट से फोन में चला गया सर, देख सकते हैं। सर वो खतरा का जो प्रतीक है सर, प्रमुख देशों की में एक ही भी आता है ना, एक बस लास्ट लास्ट एक दूसरे को काटती हुई दो हड्डी ऊपर खोपड़ी। संडे भी बहुत है, इतना हमें याद करेंगे तब तक सर, अगले संडे के छोड़ बस ये लास्ट 540 इसमें बनेगा भाई। लिखा दिए सर, लिखा दिए, 5 मिनट बाकी है सर, पढ़ाई है। लिखा लिखा दीजिए सर, फ्लैग का क्या बताए थे? ठीक का लिखा दीजिए, व्हाइट फ्लैग का। व्हाइट किसका? सफेद झंडा। संडे को ही दीजिएगा सर, संडे बहुत है। शांति शांति सिंबल ऑफ देखो, सिंध या संधि का प्रतीक, संधि का प्रतीक बोलो, संधि का प्रतीक। भाई एमडी फूल यात्रा से आ गया भाई। प्रमुख देशों के राष्ट्र करवाएंगे जल्दी। अरे तो क्या करवा रहे हो उस समय से, हम टाइम पास थोड़े पानी भी पिए हैं हम 3 घंटा से। ऑस्ट्रेलिया सर, पानी पी लीजिए सर, दो घोट पी लीजिए। ऑस्ट्रेलिया ठीक है सर, लिखाइए। मोटर खराब हो गया हॉस्टल का, ऑस्ट्रेलिया कंगारू। नहीं तो आप समझेंगे सर कि स्टूडेंट लोग मेरा फीलिंग्स को समझ ही नहीं रहे। हॉस्टल में ही रहते वहीं पे सर? हाँ यही, हम हॉस्टल में ही रहते हैं। कनाडा, कनाडा का लिखो गंजा ईगल, गंजा ईगल, कनाडा का गंजा ईगल। पक्षी क्या हो जाएगा सर? पक्षी पक्षी नहीं, वही है या सर, ईगल ईगल को गंजा कर देता है। अरे गंजा ईगल ऐसी सुंदर होता होगा। ईगल मतलब तो बाज होता है ना सर, ईगल मतलब तो बाज होता है, चील होता है, चील। अरे चील होता है, ईगल चील होता है यार, बाज नहीं होता। न्यूजीलैंड का लिखो, बाज क्या होता है? फाल्कन। हाँ, बाज का फाल्कन होता है, फाल्को। देखो उतना हम लोग को क्या मतलब है, भारत का बाघ याद कर लो ना। BGMI में नहीं आता फाल्कन। अरे गेमर भी आ गया सर, सुनिए ना, टॉपिक टॉपिक दिए पशु और पक्षी और लिखा है एक ही। अरे पशु या पक्षी किस, अरे माइक ऑफ करो, किसी का पशु है राष्ट्रीय तो किसी का पक्षी को बना दिया है, भारत बाघ को बना दिया, कनाडा ईगल को बना दिया है, तब पशु लिखेंगे तो बोलेंगे सर पशु है ईगल। न्यूजीलैंड की भी नहीं सर, नहीं सब इतना दिमाग लगाता है जीके पर, हम समझ नहीं पा रहे हैं। जापान जी इंजीनियरिंग करना है सबको, अब इसमें अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ना करो, इसको रट लो खाली। आईबीस, आईबीस बहुत चीज रटने का होता है, आईबीस। और उसके बाद ये 5 हो गया ना? यस सर। हाँ तो अब आपका यहाँ पर होता है कहानी खत्म। अच्छा एक तो छोटा, सर सर कुछ पूछना है सर, छोटा है एक टॉपिक छोटा सा बचा हुआ है, हो जाएगा 10 मिनट में। सुनिए सर,
सर एक चीज पूछना है, एक छोटा सा सर ये कनाडा का गंजा ईगल ही बोलते हैं, गंजा ईगल। हाँ सर बता दीजिए। अरे भाई बोलने तो दो यार, एक एक बोलो, बोलो बोलो ना, एक छोटा सा एक टॉपिक बचा हुआ सर। सम इम्पोर्टेंट साइन और सिंबल का जो था ना सर, वन से सिक्स तक मेरा छूट गया था। मोबाइल चार्ज नहीं है। हाँ वही चार्ज देने के लिए कहते हैं। वन से सिक्स तक सर दिखाइएगा, स्क्रीनशॉट ले लेंगे सर। प्लीज इसको अपलोड करवाइएगा सर, भाई मुश्किल है सर। सर लास्ट वाला नहीं लिखे सर। ठीक थैंक यू सर, थैंक यू सर।